Okay, so good evening to all of you and welcome to Gail Academy and Unacademy. तो एक बार बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर है सभी को. आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं कि आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आज के लेक्चर की बात करने वाले हैं. और आज हम बात करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट अपना रह गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वो और उसको खत्म करेंगे. ठीक है, उसको खत्म करेंगे. तो आज जो सेशन है वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया है. तो सेशन जो है हमारा पहले 6 बजे से होता था, आज 5 बजे स्टार्ट रखा है क्योंकि हमारा 8 बजे से आज इंजीनियरिंग की पाठशाला जो है उस पर लॉन्च है इंजीनियरिंग की बुनियाद का. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बताएंगे आज सभी लोग मेरी वॉइस क्लियर है, फटाफट एक बार बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है. इसको थोड़ा ऊपर करिए. तो आज का अपन सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं. तो आज के सेशन में जो मैं बात करूंगा वो कल हम लोगों ने जहां पर ब्रेक करा था उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उसी के आगे से अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो कल हम लोगों ने जहां ब्रेक करा था उसके आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. तो फटाफट आप हेडिंग डालेंगे. कल हमने देखा था, कुछ बात करी थी हम लोगों ने किसकी, सिंगल साइड बेंड सप्रेस्ड करियर की. तो आज हम उसी के आगे बात करते हैं, सिंगल साइड बेंड सप्रेस्ड करियर से आगे की बात करते हैं. तो उससे आगे की बात करेंगे तो यहां पर मैं सबसे पहले जो लूंगा, ठीक है, वो अब यहां पर बात करेंगे परसेंटेज पावर सेविंग की. तो हेडिंग डालोगे आप पावर सेविंग, क्या लिखोगे सर, पावर सेविंग इन SSBSC सिंगल साइड बेंड सप्रेस्ड करियर. तो हम लोग पावर सेविंग की बात करेंगे, पावर सेविंग इन SSBSC. तो हमको पावर सेविंग करनी है SSBSC में, द पावर सेविंग इन SSBSC. ठीक है, गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग अंकित. ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे पावर सेविंग इन SSBSC कि पावर सेविंग हमको करनी है. तो कल हम लोगों ने जहां पर ब्रेक करा था उसके आगे से हम लोग आज कर रहे हैं. तो पावर सेविंग इन SSBSC, तो पावर सेविंग करनी है सर SSBSC के लिए. तो सर कैसे करेंगे पावर सेविंग SSBSC में, ये हमको देखना है. ठीक है, तो पावर सेविंग इन SSBSC बड़ा आसान है, बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का. क्या है सर, देखो हमको निकालना है परसेंटेज पावर सेविंग. तो सर परसेंटेज पावर सेविंग इसको नोट करना, परसेंटेज पावर सेविंग, ठीक है, परसेंटेज पावर सेविंग इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल सेव्ड पावर. फॉर्मूला हमें पहले से भी मालूम था, टोटल सेव्ड पावर डिवाइड बाय टोटल सेव्ड पावर डिवाइड बाय टोटल पावर, टोटल पावर, टोटल सेव्ड पावर डिवाइड बाय द टोटल पावर. ये टोटल पावर हम लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, और ये टोटल जो सेविंग हम कर रहे हैं टोटल सेव पावर वो हम लेते हैं SSBSC का, इनटू 100. ठीक है, ये तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है परसेंटेज पावर सेविंग का. ये हमारा फॉर्मूला है सर परसेंटेज पावर सेविंग का. तो अगर मैं यहां पर वैल्यू लगाऊं सर परसेंटेज पावर सेविंग की, तो परसेंटेज पावर सेविंग अगर हमको निकालनी है तो सर अगर हम टोटल सेव्ड पावर निकालें तो कितनी आती है, टोटल सेव्ड पावर, एक करियर पावर सेव करते हैं और एक लोअर साइड वेंट की पावर सेव कर लो या फिर अपर साइड वेंट की, इन दोनों में से कोई एक सेव कर लो क्योंकि SSBSC में एक साइड वेंट हम भेजते हैं. तो सर एक पावर हम सेव कर ले रहे हैं, चाहे तो हम LSB की चाहे तो हम USB की, जिसकी भी पावर आपको सेव करनी है, डिवाइड बाई टोटल पावर. तो AM की टोटल पावर आप लगा दो PC1 प्लस क्या आ जाएगा सर, यह आ जाएगा MA² / 2, PT अपॉन 1 प्लस MA² / 2. ये टोटल पावर ऑफ क्या बन गया, इनटू 100 का टोटल पावर ऑफ एयर. तो सर यहां पर अगर हम वैल्यू लगाएं परसेंटेज पावर सेविंग की, परसेंटेज पावर सेविंग बराबर यहां पर अगर मैं वैल्यू लगाऊं PC, तो सर PC तो एज इट इज रखेंगे, एक साइड वेंट की पावर कितनी होती है सर, एक साइड वेंट की पावर कितनी होती है MA² / 4 × PC. सर यहां नीचे कितने आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा PC × 1 + MA² / 2 × 100, ये इंटू क्या कर दोगे 100 बस.
ये बस आपको निकालना है। तो पीसी से पीसी कट जाएगा आपका, सर पीसी से पीसी कट जाएगा तो परसेंटेज पावर सेविंग कितनी हो जाएगी, परसेंटेज पावर सेविंग कितनी हो जाएगी सर, पीसी से पीसी कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1+ma² / 4, नीचे बचेगा 1+ma² / 2 × 100। ये ठीक है, ये अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ऊपर से आ जाएगा सर हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा सर 4+ma² / सर यहां कितना रह जाएगा 2। ठीक है, ये अगर हम इसको लाएंगे यहां पर तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, तो ये जाएगा 2+ma², तो 2 से 2 कट जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 यहां आ जाएगा × 2+ma² × 100। ये तो सर ये फॉर्मूला हमारा बन गया किसका, परसेंटेज पावर सेविंग। तो सर परसेंटेज पावर सेविंग का ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया सर किसका, परसेंटेज पावर सेविंग का, ये हमारा फॉर्मूला बन गया परसेंटेज पावर सेविंग। अगर हमको ये फॉर्मूला बना सर, ये परसेंटेज पावर सेविंग का फॉर्मूला किसका बन गया सर, ये बन गया हमारा SSBSC का, SSBSC का सिंगल साइड वेंट सप्रेस्ड करियर, ये परसेंटेज बन गया फॉर्मूला पावर सेविंग का। बस अब हमको करना क्या है, या तो ये फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे जो भी हमको निकालना होगा, या फिर अपन ये कन्वेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज पावर सेविंग। तो सर ये हमारे पास आ गया परसेंटेज पावर सेविंग का फॉर्मूला, ये 4+ma² / 2 × 2+ma² × 100। ठीक है, यहां से हमें ये मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है, अब जैसे मान लो अगर मेरे पास, अब मैं आपसे बोल रहा हूं पहला पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूं, इफ अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा 0.5 है, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है, उस समय परसेंटेज पावर सेविंग हमको निकालनी है, तो उस समय हमारा परसेंटेज पावर सेविंग कितनी आएगी बताओ, परसेंटेज पावर सेविंग अगर ये 0.5 है, तो सर ये फॉर्मूला हो जाएगा 4+0.5² × 2 × 2+0.5² × 100। ये आ जाएगा, तो परसेंटेज पावर सेविंग कितनी आ जाएगी सर, परसेंटेज पावर सेविंग 4+0.5² / 2 / 2+0.5² सर ये हो जाएगा हमारा 4.25 डिवाइड बाय, नीचे अगर करेंगे तो ये जाएगा 2 × 2.25 × 100 × 100। तो परसेंटेज पावर सेविंग अगर हमको निकालनी है तो परसेंटेज पावर सेविंग कितनी आ जाएगी, एक बार कैलकुलेट करके जरा बताओ इसको कितना आ जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक बार कैलकुलेट करके बताओ इसको कितना आएगा। तो अपन क्या करते हैं, कैलसी निकाल लेते हैं और कैलसी से एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना है हमारे पास, हमारे पास है 4.25। तो 4.25 डिवाइड बाई 2.25 और 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.50। तो अपन इसको 4.5 से डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड इंटू 100, तो ये आ जाएगा 94.44%। 94.44% इतनी पावर हम सेव कर रहे हैं सिंगल साइड बैंड में, इतनी पावर हम क्या कर रहे हैं सर, सेव कर रहे हैं सिंगल साइड बैंड में। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा 0.5 है, इतनी पावर हम सेव कर रहे हैं। तो सर बहुत ज्यादा पावर सेव कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पावर सेव कर रहे हैं। अगर हम इसको 95% भी मान लें तो 5% पावर ही यूज हो रही है टोटल पावर की। तो ये अच्छी स्कीम है सिंगल साइड बैंड। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन एक और लेते हैं, सेकेंड लेते हैं। अगर हमारे पास इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू वन, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स वन है तब परसेंटेज पावर सेविंग कितनी आएगी। तब अगर हम परसेंटेज पावर सेविंग अगर हम लगाएंगे निकालेंगे तो सर परसेंटेज पावर सेविंग कितनी आएगी अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स वन है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज वन, तो सर परसेंटेज पावर सेविंग अब निकाल के बताओ कितनी आ रही है। तो सर ये आ जाएगी 4+1² / 2 × 2+1² × 100 × 100। तो परसेंटेज पावर सेविंग बराबर सर कितनी आ जाएगी, ये आएगी 5, नीचे आएगी 3 × 2 = 6। ठीक है, 3 × 2 = 6 × 100, तो ये हो गया सर 5/6। तो इसको अगर हम करें सॉल्व सर, ये लगभग आ जाएगा 5/6
इंटू 100 कर दें इसको, तो 83.33। तो परसेंटेज पावर सेविंग कितनी आ जाएगी सर? 83.33%। ये सर ये आ जाएगा 83.33%, ये आ जाएगा सर। सर ये हमको मिल रहा है 2, तो एम ए इक्वल टू 1। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम बढ़ा दें तो परसेंटेज पावर सेविंग पहले के कंपैरिजन में थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज पता चलेगी, अगर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग कम होने लगेगी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग आपकी जो है वो कम होने लगेगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 83.33% यहां से निकालेंगे और ये 94.44%। तो एग्जामिनर कोई नया सवाल यहां से बनाकर आपको दे सकते हैं, एग्जामिनर क्या कर सकता है, एक नया सवाल आपको बनाकर दे सकता है, लेकिन फॉर्मूला आप यही यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे? सर फॉर्मूला यूज करेंगे हम परसेंटेज पावर सेविंग का, SSBSC का, जो हमको पहले ड्राइव कर चुके हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा? ये वाला 4+MA² / 2 × 2+MA² × 100, ठीक है। ये तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? SSBSC का पावर सेविंग मिल जाएगा। तो पावर सेविंग के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वैल्यू कैसे निकालनी है वो हमको देखना है, वो हम यहां निकाल देंगे, तो हमको दिक्कत नहीं आई, हमको इतना दिक्कत नहीं आई। तो अब आप क्या करोगे, अब नीचे लिखो कंपैरिजन, नीचे लिखो कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन आप लिखोगे, तो कंपैरिजन आप लिखोगे सबसे पहले, कंपैरिजन लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कंपैरिजन आप लिखोगे बैंडविड्थ ऑफ एएम सिग्नल इज इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ डीएसबीएससी इज ग्रेटर देन बैंडविड्थ ऑफ एसएसबीएससी। ये कंपैरिजन लिखोगे आप कि जो बैंडविड्थ यूज होती है एएम में और डीएसबीएससी में वो बराबर होती है, लेकिन जो एसएसबीएससी में बैंडविड्थ यूज होती है वो हमारी कम होती है एज कंपेयर टू डीएसबीएससी और एएम सिग्नल, क्योंकि यहां पर जो बैंडविड्थ यूज होती है वो यूज होती है ट्वाइस ऑफ एफएम, चाहे वो इसकी हो चाहे वो बैंडविड्थ इसकी हो, ये। और इसके लिए जो बैंडविड्थ हम यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एफएम, ये। तो SSBSC में बैंडविड्थ हमारी क्या लगती है सर? कम लगती है। और दूसरा कंपैरिजन जो आपको करना है, सेकंड कंपैरिजन, सर सेकंड कंपैरिजन पता है किसका करना है? वो करना है आपको पावर का। तो पावर, ठीक है, तो पावर आप जो सबसे ज्यादा यूज करते हो, पावर इन एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावर इन डीएसबीएससी और इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावर इन एसएसबीएससी। तो SSBSC में सबसे कम पावर यूज होती है, क्यों? क्योंकि पावर सेविंग इसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो पावर सबसे ज्यादा यूज होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो कन्वेंशनल होता है, उसके बाद DSBSC में, और सबसे कम पावर यूज होती है SSBSC में, ये। तो ये कंपैरिजन आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ये कंपैरिजन आपके बहुत काम करेंगे, कंपैरिजन आपको सब अपने दिमाग में रखने ढंग से, ठीक है। ये कंपैरिजन आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तो सर यहां से ये मिल गया हमको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये बात हो गई सर हमारा SSBSC की। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं कहाँ पर है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है, ये एग्जाम्पल एक PSU एग्जाम में पूछा गया था, मैं वहां से लेकर आया हूँ आपके लिए, पेपर में मैंने लिखा हुआ देखा था तो मैंने सोचा ले लेता हूँ। ये पूछा गया है राइट डाउन द एक्सप्रेशन
इसमें ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए, मैं इसीलिए लिख रहा हूं राइट डाउन दी एक्सप्रेशन ऑफ, राइट डाउन दी एक्सप्रेशन ऑफ एलएसबी, राइट डाउन दी एक्सप्रेशन ऑफ एलएसबी यूजिंग, राइट डाउन दी एक्सप्रेशन ऑफ एलएसबी यूजिंग एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन, एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन इफ, एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन इफ इफ मैसेज सिग्नल, इफ मैसेज सिग्नल, इफ मैसेज सिग्नल, इफ मैसेज सिग्नल इज 5 cos 30 pi t एंड 5 cos 30 pi t एंड करियर फ्रीक्वेंसी ऑफ, एंड करियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to the power 5 hertz, 10 to the power 5 hertz. Write down the expression of LSB using SSB SC modulation. If message signal is this and carrier frequency of 10 to the power 5 hertz. ये हमसे पूछा गया है 10 to the power 5 hertz. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एक PSU एग्जाम में पूछा गया था. मैंने ऑप्शन हटा दिए, ऑप्शन बड़े बड़े ऑप्शन थे. ठीक है, तो मुझे याद भी नहीं ऑप्शन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइट डाउन लिख दिया कि राइट डाउन करवा लेते हैं एक्सप्रेशन. तो ऑप्शन मैंने यहाँ से हटा दिए, तो हम एक बार आप ट्राई कर लो, 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये आप कैसे लिखोगे. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है, तो मैंने इसको पेपर में देखा था एक, और वहां से मैंने सोचा इसको पिक करते हैं और आपसे बात करते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, कैसे लिखोगे आप. ठीक है, कैसे लिखोगे आप. तो सर ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब एक क्वेश्चन को जरा एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, कॉपी में प्रॉपरली, और नोट डाउन करके देखो कि इसका क्या आंसर बनेगा. एक बार प्रॉपर नोट डाउन करो और फिर बताओ कि इसका क्या आंसर बनेगा, कि सर ये आंसर बनना चाहिए, फिर मैं बताता हूं आपको. 2 मिनट आपको दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना आपसे आराम से बनने चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी आपका जो सोचने का तरीका है वो फिर बदलेगा. बताओ भाई क्या बनेगा इसका आंसर. अंकित बताओ, किरण बताओ फटाफट इसका आंसर क्या बनेगा. तो कल से अपन एज यूजुअल टाइम पे रखेंगे, जो हमारा टाइम है 6 बजे का, कल हम वहीं रखेंगे अपना सेशन. आज रख दिया है क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ और वर्क है, इसलिए आज सेशन थोड़ा ऊपर कर दिया है. तो अब देखो मैं स्टार्ट करूं क्या, मैं बताता हूँ. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, तभी पीएससी एग्जाम आपसे हिट हो पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे. हमसे पूछा गया है सर एमटी मैसेज सिग्नल दे रखा है हमको कितना, 5 cos 30 pi t ये मैसेज सिग्नल दे रखा है. और भाई क्या दे रखा है हमको, करियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफसी. एफसी कितनी दे रखी है सर, 10 to the power 5 hertz. ये बोल रहे हैं हम एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, एसएसबी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन है. कौन सा है सर, एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन. तो एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन जो होता है उस समय हमको आउटपुट क्या मिलती है, बाई टी बराबर. मैंने आपको बताया है सर बाई टी बराबर क्या मिलती है, सर बाई टी बराबर मिलता है एम टी इंटू एसी कॉस 2 pi f c t, और बीच में आता है प्लस माइनस आता है, ये होता है एम कैप टी इंटू AC sin 2 pi f c t. ये ठीक है, ये आता है सर एम कैप टी AC sin 2 pi f c t. सर ये बनकर आता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सर बनकर आता है. तो सर ये बनकर आ गया. अब हमसे पूछा गया है LSB, क्या पूछा गया है LSB का बताना है. तो LSB तभी आएगी जब आप प्लस साइन कंसीडर करोगे, माइनस नहीं प्लस साइन कंसीडर करोगे तब LSB मिलेगा. तो सर यहां से बाई टी बराबर कितना आ जाएगा, हमको SSB SC का LSB चाहिए, तो बाई टी बराबर कितना आ जाएगा सर, यह आ जाएगा एम टी
डॉट ए सी कॉस 2 पाई एफ सी की वैल्यू है 10^5t 2 cos 10^5t सर यहां लिखेंगे प्लस एम कैप टी इंटू ए सी साइन 2 पाई इंटू 10^5t ये ठीक है ये एम टी की वैल्यू हमको गिवेन है सारी वैल्यू लगा दो यहां पर एम टी की सर बाई टी बराबर आ जाएगा एम टी की वैल्यू कितनी है एम टी है 5 cos 30πt इंटू ए सी कॉस 2 पाई इंटू 10^5t ठीक है प्लस एम कैप टी यानी कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना है एम कैप टी का मतलब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कॉस का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो साइन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 sin कितना आ जाएगा 30πt डॉट ए सी साइन 2 पाई इंटू 10^5t ये तो ये एक्सप्रेशन आ गया तो इसमें लिखा हुआ है कॉस है कॉस भी साइन है साइन भी तो सर अगर मैं इसमें से इस पूरे एग्जांपल में से 5 ac कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी तो सर ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी तो इसको ऐसे कर देंगे कॉस ए 10^5 माइनस 30π इंटू टी ये बन जाएगा एक्सप्रेशन सर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा आउटपुट ठीक है ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा क्या आउटपुट पर ये तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा बहुत बढ़िया किरण ने सही करा है 5 ac ठीक है ये अब ac के बारे में कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो ठीक है अगर ac ऑप्शन में ना हो तो इस ac को बंद ले लेना तो अपन इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ये तो सर ये एक्सप्रेशन रहता है लोअर साइड बैंड का ये बन गया अपन को बस क्या करना है अंदर कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाकर ये एक्सप्रेशन बना दिया ये किसका बन गया लोअर साइड बैंड का LSB का LSB यूजिंग SSBSC अगर हम माइनस कंसीडर करते देन इट बिकम्स दी अपर साइड बैंड इट बिकम्स दी अपर साइड बैंड तो ये क्वेश्चन था बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने इसको लिया ताकि आपको चीजें समझ में आए क्वेश्चन एकदम सिंपल था ठीक है लेकिन होता क्या है जब अपन एग्जाम में बैठते हैं एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे प्लस माइनस की गलती के कारण हो सकता है हम सवाल सही ना कर पाए लेकिन ये क्वेश्चन एक PSU एग्जाम का है मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम कौन से PSU का है लेकिन किसी PSU का है शायद UPPCL का है या ऐसे किसी का है एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं मालूम लेकिन है कहीं का तो इसका आंसर आप निकाल लोगे मुझे लगता है अब ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो आराम से हम लोग कर लेंगे फॉर्म ठीक है ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फटाफट यहां तक अगर हो गया हो तो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डालो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या डालेंगे सर स्क्रैम्बलर क्या डालेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्क्रैम्बलर ठीक है ये स्क्रैम्बलर क्या होता है स्क्रैम्बलर ये स्क्रैम्बलर क्या काम करता है उसके बारे में बात कर लेने कि स्क्रैम्बलर सर क्या होता है स्क्रैम्बलर ठीक है ये स्क्रैम्बलर क्या होता है तो स्क्रैम्बलर जो हम यूज करते हैं इट इज यूज्ड फॉर मैनिपुलेट द डेटा इसका यूज होता है मैनिपुलेट करने में डेटा को ठीक है मैनिपुलेट द डेटा मैनिपुलेट दी डेटा या फिर ये क्या काम करता है मैनिपुलेट दी डेटा मैनिपुलेट करता है सर किसको डेटा को ये डेटा को मैनिपुलेट करता है डेटा मतलब मैसेज सिग्नल को मैनिपुलेट कर देगा मैनिपुलेट करने से क्या फायदा होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है ये इंक्रिप्शन कर देता है ठीक है सिक्योरिटी क्या काम करता है सर सिक्योरिटी पर्पस सिक्योरिटी को और एनहेंस करता है स्ट्रॉन्ग बनाता है डेटा को मैनिपुलेट करके कि डेटा को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर देता है कि रिसीवर समझ पाए या फिर आप ये बोल सकते हो इसको एनकोड कर देता है डेटा को सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है लेकिन इसकी खास बात है
कि ये जो भी करता है बैंडविड्थ चेंज नहीं करता, बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल उसको चेंज नहीं करता, बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल इज नॉट चेंज्ड। तो ये चेंज नहीं करेगा सर, मैसेज जो है बैंडविड्थ और बैंडविड्थ जो रहेगी मैसेज सिग्नल की वो वही रखी जाएगी, वही रहेगी। तो स्क्रैम्बलर हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा को सिक्योरिटी पर्पज के लिए स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि कोई हमारे डेटा से छेड़खानी ना कर पाए, तो हम स्क्रैम्बलर यूज करते हैं। तो स्क्रैम्बलर एक डिवाइस है जो आपके डेटा को मैनिपुलेट करता है सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन वो मैनिपुलेट ऐसा करेगा कि आप जब रिसीवर पर रिसीव करोगे तो रिसीवर को अगर कोई आप पहले से की प्रोवाइड कराओगे कि भाई ये इसकी डिकोडिंग की है, तो आपका डेटा दोबारा वैसा बन जाएगा। लेकिन इससे फायदा यह होता है कि सिक्योरिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, जब भी आप मैसेज को भेजते हो तो उसमें अगर कोई भी सिक्योरिटी में थ्रेट लगाता है तो फिर वो थ्रेट इजीली आपके मैसेज सिग्नल पर काम नहीं करेगा, बदल नहीं पाएगा वो आपके मैसेज सिग्नल को, ना ही वो आपके मैसेज सिग्नल को डिकोड कर पाएगा। तो ये काम होता है स्क्रैम्बलर का। लेकिन स्क्रैम्बलर दिखता कैसा है, ये तो बात हो गई इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन स्क्रैम्बलर दिखता कैसा है। तो आपके लिए स्क्रैम्बलर अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रैम्बलर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रैम्बलर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस चुपचाप एक यहां पर प्रोडक्ट मॉडरेटर लगा दो, ठीक है, जो भी आप यहां पर मैसेज सिग्नल दे रहे हो एमटी, जो भी आप यहां पर मैसेज सिग्नल दे रहे हो एमटी, ठीक है, उसको आप दे दो एमटी को, और यहां पर आप जो सिग्नल दोगे वो करियर सिग्नल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी एफसी, ठीक है, ये इसको आप पास कराओगे हाई पास फिल्टर से, एक आप हाई पास फिल्टर लगाओगे, हाई पास फिल्टर, ये हाई पास फिल्टर लगेगा, इस हाई पास फिल्टर का जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस हाई पास फिल्टर का कट ऑफ होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफसी होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफसी मतलब ये एफसी से बड़े टर्म को पास कर देगा, उससे छोटे टर्म को ब्लॉक करेगा क्योंकि हाई पास फिल्टर है। उसके बाद आप एक और यहां पर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाओगे, ये एक और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाओगे, ठीक है, ये एक और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हम लगाएंगे, इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी एफसी प्लस एफएम, और उसके बाद यहां से जो सिग्नल निकलेगा उसको हम पास कराएंगे लो पास फिल्टर से, कहां से पास कराएंगे सर, लो पास फिल्टर से, और लो पास फिल्टर से पास कराएंगे तो यहां जो लो पास फिल्टर की कट ऑफ होगी, लो पास फिल्टर की कट ऑफ होगी वो होगी इक्वल टू एफएम के, एफएम या उससे कम सिग्नल को पास करेगा, तब यहां जाके हमको एक आउटपुट मिलेगा, ये इस आउटपुट को बोलेंगे स्क्रैम्बल्ड आउटपुट, स्क्रैम्बल्ड आउटपुट ये। लेकिन खास बात क्या होगी, जो इसकी बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ इस आउटपुट की जो बैंडविड्थ आएगी दैट इज इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ एमटी मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ रहेगी। तो ये है हमारा स्क्रैम्बलर, तो स्क्रैम्बलर ये है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी एफएम मान लेते हैं। तो ये है हमारे स्क्रैम्बलर का स्ट्रक्चर जो हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर से मिलके बना है। तो स्क्रैम्बलर हमको हमारा क्या काम करता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको सिक्योरिटी उसकी बढ़ाता है, उसकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट इस तरीके से करता है कि इजीली डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक, ये स्क्रैम्बलर रहता है। तो सर स्क्रैम्बलर ये हो गया, लेकिन फायदा ये स्क्रैम्बलर का कि बैंडविड्थ में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए हमको बैंडविड्थ के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक, ये तो यहां से हमको ये पता चल गया स्क्रैम्बलर। अब बस आपको ये पता होना चाहिए हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर कैसे काम करते हैं। हाई पास फिल्टर क्या करता है, जो भी इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा को पास कर देता है, उससे कम को ब्लॉक कर देता है। लो पास फिल्टर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको कम से पास करता है, उसके ज्यादा जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो सर ये स्क्रैम्बलर है, ठीक है, ये सिंपल सा, सर ये सिंपल सा हमारा स्क्रैम्बलर हो गया। स्क्रैम्बलर में बस इतना ही है, इससे ज्यादा स्क्रैम्बलर में कुछ है नहीं, ठीक है। तो स्क्रैम्बलर का डायग्राम एक बार बना लो, कि जो स्क्रैम्बलर का डायग्राम है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्क्रैम्बलर के डायग्राम को ये करने के बाद। सर ये स्क्रैम्बलर है, ये हमारे पास स्क्रैम्बलर। अब यहां से एक चीज और देखनी है, यहां से एक चीज और समझनी है इस स्क्रैम्बलर में, क्या समझना है,
एक चीज और समझनी है, अगर हमारा एमटी लो पास सिग्नल है, अगर हमारा एमटी लो पास सिग्नल है तो दिक्कत नहीं है, एमटी अगर लो पास सिग्नल है तो हमारा दिक्कत नहीं है। अगर एमटी हमारा एक कोई बैंड पास सिग्नल आ गया, अगर हमारा एमटी कोई बैंड पास सिग्नल हो गया सर, एमटी अगर बैंड पास सिग्नल हो गया, बैंड पास सिग्नल का मतलब एमटी की दो फ्रीक्वेंसी होंगी, एक हायर फ्रीक्वेंसी होगी एक लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, और लोअर फ्रीक्वेंसी जीरो के बराबर नहीं होगी, ये हमेशा जीरो से बड़ी होगी। तो ये एमटी अगर बैंड पास सिग्नल है हमारा, बैंड पास सिग्नल, तब हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा स्क्रैम्बलर में। सर क्या होगा? सर थोड़ा सा हमारा चेंज आएगा। क्या क्या चेंज आएगा? सर ये चेंज आएगा, ये तो यही रहेगा एफसी, ठीक है, स्क्रैम्बलर हमारा ऐसा ही रहेगा सब कुछ, बस ये वाली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इसमें एफसी प्लस एफएच हो जाएगा, एफसी प्लस एफएच हो जाएगा बैंड पास सिग्नल के लिए। क्या हो जाएगा सर? एफसी प्लस एफएच, बाकी ये एमटी की जो फ्रीक्वेंसी है वो वही रहेगी। अब अगर एमटी बैंड पास हो गया तो फिर एमटी की दो फ्रीक्वेंसी होंगी, एक एफएच एक एफएल, दो दो फ्रीक्वेंसी होंगी। मतलब ये ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये लगभग लगभग ऐसा दिखेगा आपको एमटी, एमटी आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा, जरा ध्यान से देखना, इस तरीके का दिखेगा आपको एमटी, कैसा दिखेगा सर? ये एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये सर ये इस तरीके का एफ एल और एफ एच, ये ऐसा दिखेगा आपको एमटी, ये इसका फ्रीक्वेंसी डायग्राम ले लेते हैं, एम एम, ये बन, ये दो फ्रीक्वेंसी दिखेंगी इसकी एफ एल और एफ एच, और जो एफ एल होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये बैंड पास सिग्नल हो गया। तो इस तरीके से अगर सिग्नल हमको दिख जाता है तो स्क्रैम्बलर में ये तो करियर फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगा, हाई पास फिल्टर का भी करियर से ग्रेटर देन होगा, लेकिन इस वाले प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ सी प्लस एफ एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? एफ सी प्लस एफ एच हो जाएगी ये, और इस वाले लो पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी सर हमारी एफ एच। क्या हो जाएगी सर? एफ एच हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी ये एफ एम ना होकर एफ एच हो जाएगी, ये एफ एच ये। तो अगर यहां पर बैंडविड्थ में निकालू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ क्या बनेगी, अगर यहां पर बैंडविड्थ निकालें हम तो सर बैंडविड्थ क्या निकलेगी बताओगे? एफ एच माइनस एफ एल, ये जब बैंड पास सिग्नल होगा तो बैंडविड्थ होगी एफ एच माइनस एफ एल। तो यहां पर भी बैंडविड्थ जो आएगी, बैंडविड्थ जो आएगी वो सेम होगी किसके बराबर? एफ एच माइनस एफ एल के बराबर, जो आउटपुट की बैंडविड्थ आएगी वो एफ एच माइनस एफ एल के बराबर होगी, लेकिन ये होना चाहिए हमारा बैंड पास सिग्नल। क्या होना चाहिए सर? बैंड पास सिग्नल, दिस इज द बैंड पास सिग्नल। तो हमारे दो केस हैं, अगर लो पास होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंड पास होगा बस थोड़ा सा चेंज है। आपको ये चीज देखनी है कि अगर बैंड पास होगा तो हमको कैसे करना है। तो ये बेसिकली स्क्रैम्बलर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है एग्जामिनर फ्रेम करता है, एग्जामिनर क्या करता है इस पर क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक यहां से क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, वर्क बुक निकालो फटाफट, एक क्वेश्चन लेते हैं, वर्क बुक निकालो फटाफट, वर्क बुक निकालेंगे फटाफट, वर्क बुक निकालेंगे, और क्वेश्चन नंबर है सर, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो जरा, पहले पेज पर है वर्कबुक का, क्वेश्चन नंबर 6 है पहले पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट पेज पर, इसको हम करेंगे सॉल्व। सर कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? बोला गया इन द फिगर, क्वेश्चन 6 लेते हैं वर्कबुक का, क्वेश्चन 6 है सर वर्कबुक का ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे गेट 2014 में, ये गेट का क्वेश्चन है, तो गेट एग्जाम में ये पूछा गया 2014 में, ईयर मैं नहीं लिख रहा हूं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। बोला गया है एम एफ इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल, एम एफ जो है वो मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। मतलब हमसे ये बोला गया है कि जो एम टी है
इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको दे रखा है, उसका नाम है सर एमएफ। ठीक है, यह है एमएफ। ए की वैल्यू दे रखी है, कोई हमारे पास ए है, इसकी वैल्यू दे रखी है 100 हर्ट्स। ध्यान से देखना, ये दे रखा है 100 हर्ट्स, कोई वैल्यू ए है 100 हर्ट्स, और यहां पर एक वैल्यू बी है जिसका नाम है बी, और वो है 40 हर्ट्स, वो है 40 हर्ट्स, है ना। गिवन दैट बी टी, सर बी टी भी हमको दे रखा है, यहां लिख लेते हैं बी टी। सर बी टी कितना दे रखा है, अगर हम यहां से लिखेंगे, बी टी दे रखा है कॉस 2πfct, बी टी है कॉस 2πfct, यह है बी टी। उसके बाद डब्ल्यू टी हमको दे रखा है, डब्ल्यू टी कुछ कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस टू पाई एफ सी प्लस ए इंटू टी, ये दे रखा है डब्ल्यू टी, है ना ये। और एक और चीज दे रखी है, बोला गया है एफ सी इज ग्रेटर देन ए, एफ सी इज ग्रेटर देन ए, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फिल्टर्स आर, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फिल्टर आर एफ सी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फिल्टर आर एफ सी। तो यहां पर एक हमारे पास सर्किट दे रखा है, इस सर्किट को यहां बनाए, सर्किट दे रखा है सर इस तरीके से, एक यहां पर सर्किट दे रखा है इस तरीके से, एक यहां प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, उसके बाद सर हमारे पास यहां हाई पास फिल्टर, एक हाई पास फिल्टर है, उसके बाद अगेन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, उसके बाद एक लो पास फिल्टर है, क्या दे रखा है सर, लो पास फिल्टर, ये लो पास फिल्टर है, और उसके बाद यहां आउटपुट है एसटी, ये है हमारे पास एसटी, इसका नाम है लो पास फिल्टर। इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्या दे रखी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सर वो एफ सी दे रखी है, ठीक है एफ सी बोल रखा है। ये है हमारे पास हाई पास फिल्टर, सर इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सर इसकी भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी है, और यहां पर एक लगा रखा है डब्ल्यू टी, यहां पर लगा रखा है सर, यहां पर क्या लगा रखा है, बी टी, बी टी लगा रखा है, यहां है एम टी, यहां दे रखा है एम टी, है ना ये एम टी। हमसे पूछा गया द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, इस सिग्नल की बैंडविड्थ निकालनी है एस टी, सर इस सिग्नल की बैंडविड्थ हमको निकालनी, इस सिग्नल की बैंडविड्थ हमको निकालनी, ये हमको निकालनी है, और एम टी की वैल्यू दे रखी है हमको एम टी, ये दे रखा है हमको, ये दे रखा है एफ, इसका हमको क्या दे रखा है सर, ये इसका स्पेक्ट्रम हमको दे रखा है इस तरीके से, दो ट्राइंगल बन रहे हैं इसके स्पेक्ट्रम में, दो ट्राइंगल बन रहे हैं सर, ऐसे करके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये इसके स्पेक्ट्रम में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये माइनस ए है, ये माइनस बी जीरो, सर ये कितना है, ये है बी, ये पॉइंट है ए, और ये वैल्यू है वन, ये हमको दे रखा है मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम दे रखा, किसका सर, मैसेज सिग्नल का, ये तो सर इतना स्ट्रक्चर हमको दे रखा है एग्जामिनर ने, तो ये कुल मिलाकर हमको एक स्क्रैम्बलर दे रखा है, क्या दे रखा है सर, स्क्रैम्बलर दे रखा है, ये हमको दे रखा है स्क्रैम्बलर, लेकिन मैंने जो आपको पढ़ाया है क्या ये वैसा स्क्रैम्बलर है, ये हमको देखना है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है क्या ये वैसा है या कुछ अलग है, ये हमको चेक करना है, ठीक है, ये हमको चेक करना है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या ये वही है। तो हम क्या देखते हैं, मैंने जो आपको पढ़ाया है वो मैंने ये पढ़ाया है आपको कि जो ये पहला प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एफसी, हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी होनी चाहिए, ये दो ऐसा होना चाहिए, यहां जो आता है वो होना चाहिए सर एफसी प्लस एफएच, ठीक है, अगर बैंड पास सिग्नल है, और अगर बैंड पास सिग्नल नहीं है तो एफसी प्लस एफएम होना चाहिए, ठीक है, और सर लो पास फिल्टर की कट ऑफ क्या होनी चाहिए, इट इज एफएच अगर बैंड पास है, नहीं तो एफएम होनी चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने कट ऑफ दे रखी है एफसी, ना तो उसने ये दी है हाई फ्रीक्वेंसी, ना तो उसने मैसेज फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब मैंने जो पढ़ाया है वैसा नहीं है ये स्क्रैम्बलर, ये एग्जामिनर ने अलग से डिजाइन कर दिया है, ये एग्जामिनर ने अलग से डिजाइन कर दिया है, मैंने जो आपको पढ़ाया है ये वो स्क्रैम्बलर नहीं है, क्योंकि उसमें
लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ है वो या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लेकिन यह एग्जामिनर ने लिख दिया एफसी करियर फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो इसका मतलब ये स्क्रैम्बलर मेरे जैसा नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये कुछ अलग है। तो फिर हमको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सर क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा? पहले बीटी की वैल्यू देख लो, बीटी की वैल्यू क्या है, बीटी कहां है, बीटी ये है सर, बीटी ये आ रहा है, बीटी की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है एफसी, सर बीटी की फ्रीक्वेंसी एफसी आ रही है, यहां तो एफसी मैंने लिख दिया, ठीक है ये बिल्कुल सही है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी एफसी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर डब्ल्यू टी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी कहां ये है सर, इसकी फ्रीक्वेंसी है एफसी प्लस ए, सर इसकी फ्रीक्वेंसी है एफसी प्लस ए, तो मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, इसको यहां से हटा दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं सर एफसी प्लस ए, इसकी फ्रीक्वेंसी है एफसी प्लस ए, ठीक है, ये है एफसी प्लस ए, एफसी की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी है, तो ये हमारे पास एफसी प्लस ए है। तो चलो सर अब हम इसको ट्राई करते हैं, आगे इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि सर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हमारे सामने आएगा, ये हम ट्राई करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर जो मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल जो हमको दे रखा है, इट इज एक्चुअली अ बैंड पास सिग्नल, ये एक बैंड पास सिग्नल है जो मैसेज सिग्नल यहां दे रखा है, इट इज एक्चुअली अ बैंड पास सिग्नल। क्यों है सर बैंड पास सिग्नल, ये बैंड पास सिग्नल क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ए और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है बी, ठीक है, बी है 40 और ए है 100, तो भाई ये है बैंड पास सिग्नल। तो ये बैंड पास सिग्नल है, अगर ये हमारी तरीके का स्पेक्ट्र हमारी तरीके का स्क्रैम्बलर होता तो हम आंसर एंड टू एंड लिख देते, इसका आंसर कितना आ जाता, 60 आ जाता। कैसे आ जाता 60? मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब ए माइनस बी हो जाएगा, ए है 100 बी है 40, तो आंसर आ जाता 60, आंसर आ जाता 60, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते 60 आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने यहां पर कुछ अलग प्लान कर दिया है कि लो पास फिल्टर का जो कट ऑफ है वो एफसी दे दिया है, तो फिर हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। तो सर कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे तो कैसे करेंगे? अब ये सवाल है कि अब करेंगे कैसे। अब जिसने भी ये पकड़ लिया कि भाई ऐसे करेंगे वो तो बना के ले जाएगा, जिसको भी इसमें डाउट रहा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, ये हमको देखना है कि सर हम इसको बनाएंगे कैसे। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं सर, बीटी की वैल्यू क्या है, बीटी है कॉस का टर्म है, बीटी की वैल्यू क्या है, बीटी है कॉस, कॉस टू पाई एफ सी टी, ठीक है, ये बीटी। सर यहां पर जो आउटपुट आएगा, यहां पर आउटपुट को हम एस वन ले रहे हैं, एस वन, तो एस वन का आउटपुट क्या आएगा कोई बताएगा, एस वन का अगर मुझे आउटपुट निकालना है सर, एस वन का, तो एस वन बराबर आएगा जो भी मैसेज सिग्नल है उसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बीटी के साथ, तो बीटी है सर हमारे पास कॉस टू पाई एफ सी टी, टू पाई एफ सी टी, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, मैसेज सिग्नल इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो जो हमारा मैसेज सिग्नल है ना एमएफ, इसमें शिफ्ट आएगा, इसमें क्या आएगा सर, शिफ्ट आएगा, कितने का, एक बार प्लस एफसी से एक बार माइनस एफसी, एक बार प्लस एफसी से एक बार माइनस एफसी से। तो सर हम हमारे पास एमएफ गिवेन है, एक बार इसको प्लस एफसी से शिफ्ट कर देते हैं, एक बार इसको माइनस एफसी से शिफ्ट कर देते हैं, तो सर हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनकर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनकर, किसका, एस वन का, इसको लिखेंगे एस वन एफ, एस वन का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आ जाएगा। चलो एक बार इसमें प्लस एफसी करो, सब में प्लस एफसी करो, तो जब प्लस एफसी करोगे तो सर ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा ऐसे, ये वैल्यू हो जाएगी एफ सी माइनस ए, ये वैल्यू हो जाएगी एफ सी माइनस बी, ये हो जाएगा एफ सी प्लस बी, ये वैल्यू हो जाएगी एफ सी प्लस ए,
ठीक है, एक बार मैंने इसमें प्लस एफ सी कर दिया, एक बार माइनस एफ सी करूंगा, तो माइनस एफ सी करूंगा तो ये इधर आ जाएंगे, तो ये इधर आ जाएंगे, दोनों ट्राइंगल इधर आ जाएंगे। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, ये वैल्यू हो जाएगी सर माइनस एफ सी माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस एफ सी माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस एफ सी प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस एफ सी प्लस ए, ठीक है, ये आ जाएगा सर। और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसका डिवाइड बाई टू, ये वैल्यू है जीरो की। तो ये फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम हो गया, जो सिग्नल हमको यहां मिलेगा, जो सिग्नल हमको यहां मिलेगा इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैंने यहां पर बनाकर तैयार कर दिया है, ये ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, यहां बनाकर तैयार कर दिया है। और इनके बीच की जो ये वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, जो ये पॉइंट होगा, अगर आप ये पकड़ पाओ, तो जो ये पॉइंट होगा ये वाला सर, ये पॉइंट होगा एफ सी, ये पॉइंट क्या होगा एफ सी, अगर आप इसको पकड़ पाओ, इसके बीच का पॉइंट सर, ये पॉइंट होगा माइनस का एफ सी, अगर आप इसको पकड़ पाओ। कैसे पकड़ में आएगा मैं बता देता हूं, बहुत आसान है। कैसे पकड़ में आएगा सर, ये वाला सिग्नल जो है ये जीरो के सिमेट्रिकल है, आधा इधर आधा इधर, जैसे ही इसको शिफ्ट करोगे एफ सी से, तो ये वाला पॉइंट अपने आप एफ सी पहुंच जाएगा, क्योंकि सिग्नल आधा एफ सी के इधर है आधा इधर है, ठीक है। तो शिफ्टिंग करोगे तो शिफ्टिंग में ये प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी, जो आधी इधर है और आधी इधर। अब देखो ये आ गया एस वन है, अब हम क्या करेंगे, इसको हाई पास फिल्टर से पास कराएंगे। तो जब इसको हाई पास फिल्टर से पास कराएंगे तो यहां पर जो सिग्नल रिसीव होगा वो होगा एस टू एफ, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चेक करेंगे एस टू एफ। तो सर अब हम हाई पास फिल्टर लगाते हैं, तो हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना लो सभी लोग, हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना लो आप। सर हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसा होता है, ये होता है सर हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये जीरो सर, ये होगा हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये पॉइंट होगा हमारा एफ सी, एफ सी से आगे आगे क्या सब पास कर देगा, इधर माइनस एफ सी से पीछे पीछे का सब पास कर देगा, बाकी इधर ब्लॉक कर देगा, ये रीजन में रहेगा तो ब्लॉक कर देगा, यहां से यहां तक अगर कोई सिग्नल रहता है उसको ब्लॉक कर देगा, ये ब्लॉकिंग रीजन है, ये ब्लॉक कर देगा, बाकी इससे आगे का पास कर देगा, माइनस एफ सी से पीछे का ये पास कर देगा। ये है हमारे पास हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। अब ये वाला सिग्नल उठाकर जो एस वन एफ आपने बनाया है ये हाई पास फिल्टर में दो, तो कौन कौन से आपको आउटपुट मिलेंगे, आउटपुट पर आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, तो मैं मार्क कर दे रहा हूं सर, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार। तो जैसे ये सिग्नल पास कराओगे तो आपको जो आउटपुट पर मिलेगा वो मिलेगा वन और फोर, वन और फोर, टू एंड थ्री ब्लॉक हो जाएंगे, टू एंड थ्री ब्लॉक हो जाएंगे। कैसे ब्लॉक हो जाएंगे सर, कैसे ब्लॉक हो जाएंगे भाई, हाई पास फिल्टर यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, यहां से ये स्टार्ट है, यहां से हाई पास फिल्टर यहां से स्टार्ट है, ये यहां से स्टार्ट है हाई पास फिल्टर। तो वन और फोर आपको मिलेंगे आउटपुट पर, ठीक है। तो आपको जो हाई पास फिल्टर का आउटपुट मिलेगा, हाई पास फिल्टर का सर जो आउटपुट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एस टू एफ। सर यहां लगा लेते हैं एस टू एफ, तो ये हो जाएगा एफ, नाउ इट बिकम्स एस टू एफ, इट बिकम्स एस टू एफ। सर कौन कौन सा मिलेगा हमको, कौन कौन सा मिलेगा सर, वन एंड फोर। तो वन हमारे पास ये है वन, और इधर से मिल जाएगा सर फोर, वन एंड फोर। सर ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है एफ सी प्लस बी। सर ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है एफ सी प्लस ए। ये वैल्यू कितनी है, माइनस एफ सी माइनस ए, माइनस एफ सी माइनस ए। ये वैल्यू है माइनस एफ सी माइनस बी, ये है वन बाई टू। सर ये मिल जाएगा हमको आउटपुट ऑफ, क्या मिल जाएगा सर, आउटपुट ऑफ हाई पास फिल्टर ये मिल जाएगा। लेकिन अभी और काम है हमारा, और काम बाकी है, और काम बाकी है। तो सर ये हमारे पास मिलेगा, अब हमको यहां वाला आउटपुट चाहिए, यहां वाला। तो यहां वाला जो आउटपुट है हम इसको ले लेते हैं एस थ्री,
एस थ्री टी, यहां होगा एस टू टी, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एस टू एफ है, ये है एस थ्री टी, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा एस थ्री एफ। तो एस थ्री टी क्या हो जाएगा, एस थ्री टी, सर एस थ्री टी क्या हो जाएगा, अब हम यहां निकालते हैं एस थ्री टी, तो सर एस टू तक आ गए, अब हम निकालेंगे एस थ्री टी, तो सर एस थ्री टी क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना सर, ये आ जाएगा एस थ्री टी बराबर हो जाएगा, जो हमारा एस टू आ रहा था उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा डब्लू टी से, उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, डब्लू टी से। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि सर एस थ्री का मल्टीप्लाई डब्लू टी से हो रहा है, यस, ये आ रहा है नीचे से डब्लू टी और इधर से आ रहा है एस टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर सर हमको मिलेगा एस थ्री टी, ठीक है सर, ये मिल गया एस थ्री टी। डब्लू टी की वैल्यू कितनी है, कॉस टू पाई एफ सी प्लस एट इंटू टी। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी, तो फटाफट हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर एस थ्री टी बराबर क्या हो गया, सर एस थ्री टी बराबर क्या हो गया, सर ये हो गया एस टू टी मल्टीप्लाइड विद कॉस टू पाई, सर ये हो गया एफ सी प्लस ए इंटू टी, सर ये हो गया। अब ये तो कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस से, और इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ सी प्लस ए, तो अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाओगे, तो जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपका एस टू एफ है ना, एस टू एफ, इसमें शिफ्ट होगा कितने का, सर इसमें शिफ्ट होगा कितने का, सर प्लस एफ सी प्लस ए का, और एक बार माइनस एफ सी प्लस ए का, सर ये शिफ्ट होगा किसमें, एस टू एफ में। तो सर एस टू एफ हमारे पास बना हुआ है, यस ये बना हुआ है, एक बार इसमें एफ सी प्लस ए कर दो, एक बार इसमें क्या कर दो सर, एफ सी प्लस ए, और एक बार इसमें माइनस कर दो, ठीक है ये। तो सर हम इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं सर, तो इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाओ जरा सर, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना लेते हैं यहां पर सर, ये है एफ और एक यहां पर ये, तो ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आएगा ये आएगा एस थ्री एफ का, एस थ्री एफ। तो एक बार इसमें ऐड करो एफ सी प्लस ए ऐड करो, तो अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, अगर एफ सी प्लस ए ऐड करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें ऐड करूंगा तो एफ सी से एफ सी कट जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ए माइनस बी, ये जीरो। अब उसमें करता हूं, यहां पर करता हूं सर, यहां पर ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा टू एफ सी प्लस ए बी सर, तो ये यहां आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगा टू एफ सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। और ये वाली लाइन कहां आ जाएगी, ये वाली सर, ये वाली लाइन कहां आ जाएगी, एफ सी प्लस ए, इसी में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ सी प्लस ए, ट्वाइस ऑफ एफ सी प्लस ए, ठीक है ये। और इनके बीच का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये हो जाएगा सर हमारे पास एफ सी प्लस ए, एफ सी प्लस ए हो गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एफ सी प्लस ए, पहले मिड पॉइंट जीरो था, इसमें ऐड करोगे एफ सी प्लस ए तो ये एफ सी प्लस ए पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एफ सी जो है ना, एफ सी उससे पीछे होगा, यहां कहीं होगा एफ सी सर, ये पॉइंट होगा एफ सी, अगर हमको जरूरत पड़ी तब, ये पॉइंट होगा एफ सी। अब हम इसमें माइनस करते हैं, अब हम इसमें ये वाला ऐड करते हैं, तो जब ये वाला ऐड करोगे तो मैं यहां ऐड कर रहा हूं, पहले मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये यहां पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा सर, जीरो होते ही इधर पहुंच जाएगा। ये वाली लाइन कहां आ जाएगी, ये वाली, इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करना है माइनस एफ सी प्लस ए, तो सर ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, सर ये इधर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, ये आ जाएगा इधर। अब हमको इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस एफ सी प्लस ए, ये ऐड करो माइनस एफ सी प्लस ए, तो सर ये इधर आ जाएगा, यहां ये यहां आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी पता है कितना, ये हो जाएगा माइनस टू एफ सी, माइनस टू एफ सी माइनस ए माइनस बी, माइनस टू एफ सी माइनस ए माइनस बी। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसमें ऐड करूंगा ये, तो ये हो जाएगी सर माइनस का
ट्वाइस ऑफ एफ सी प्लस ए, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ एफ सी प्लस ए, ये हो गया एस थ्री एफ। और ये इनका जो मिड पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट सर जी, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट सर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ सी प्लस ए माइनस का, इसका मतलब यहां पर होगा माइनस एफ सी, इससे पीछे होगा माइनस एफ सी, ठीक है ये। तो सर ये मिल जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी सर वन बाई, ये सर ये वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू। तो ये हमको एस थ्री एफ मिल गया, क्या मिल गया एस थ्री एफ। अब आगे क्या करना है सर, एस थ्री एफ मिलने के बाद हमको क्या करना है सर, यहां तक आ गए, यहां तक एस थ्री एफ तक आ गए। अब इसको लो पास फिल्टर से पास करोगे तब आपको ये सिग्नल मिलेगा आउटपुट का। तो लो पास फिल्टर से और पास करो, और लो पास फिल्टर की कट ऑफ कितनी है एफ सी, लो पास फिल्टर की कट ऑफ कितनी है एफ सी। तो एस थ्री एफ को अब उठाकर लो पास फिल्टर से पास करना है। तो सर ये वाला जो आपका बनकर आया है ना, ये एस थ्री एफ जो बनकर आया है, इसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे। तो यहां पर लो पास फिल्टर को बना लेते हैं सर। लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है, कैसे बनता है लो पास फिल्टर का सर, ऐसे बनता है लो पास फिल्टर का, ये हो जाएगा लो पास फिल्टर सर, इसका इस तरीके का बनेगा, ये माइनस एफ सी से प्लस एफ सी, सर ये प्लस एफ सी है, ये जीरो, ये माइनस एफ सी, ये वैल्यू मैं वन ले लूंगा, ये इससे आगे का एफ सी से आगे जितना भी है सबको ब्लॉक कर देगा, माइनस एफ सी से पीछे का जितना है सबको ब्लॉक कर देगा, माइनस एफ सी से प्लस एफ सी के बीच में जितना है सबको पास कर देगा, सबको पास कर देगा। अब आपको उठाकर क्या करना है, ये उठाकर यहां पहुंचाना है, ये इसमें से पास कराना है। अब आप चेक कर लो कि कौन कौन से एलिमेंट आपके पास बचेंगे। अगर हम यहां इसका नंबर बना लें वन टू थ्री और फोर, अगर आप ये इसको पास कराओगे तो कौन कौन से पास होंगे सर, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ध्यान से देखने में पता चलेगा, ये यहां से यहां तक आ रहा है, ये माइनस एफ सी से, माइनस एफ सी से प्लस एफ सी, ये है बस माइनस एफ सी से प्लस एफ सी, ये वाला पॉइंट माइनस एफ सी है, ये वाला पॉइंट प्लस एफ सी है, ठीक है ये। तो इन दोनों के बीच में जितना है बस वही पास होगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। तो यहां से जो पास होगा सिर्फ टू और थ्री। तो हमको जो आउटपुट मिलेगा, जो हमको आउटपुट मिलेगा ना, आउटपुट सर जो आउटपुट मिलेगा ये, वो हमको आउटपुट ऐसा मिलेगा, ये वाला सर, ये आउटपुट मिलेगा हमको, ये आउटपुट मिलेगा, ये जीरो है, ये ए माइनस बी है, ये कितना है सर, ये माइनस ए प्लस बी है, ये वैल्यू है वन बाई। तो ये है हमारा आउटपुट ऑफ एलपीएफ, और यही हमको चाहिए था आउटपुट ऑफ एलपीएफ, मतलब ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है आउटपुट का, एस एफ एस टी का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये मिला है हमको। तो हमको ये मिला है, तो कुल मिलाकर ये है जो हमारा यहां आउटपुट जो आ रहा है ना, ये अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहां जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आएगा इसका, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनेगा एस एफ, वो हमने अभी बनाया है, दैट इज द आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर, इस तरीके का दिखेगा आपको सर, इस तरीके का दिखेगा आपको जीरो, ये सर इस तरीके का दिखेगा, ये सर इस तरीके का दिखेगा, ये है हमारे पास ए माइनस बी, ये है माइनस ए प्लस बी, ये वैल्यू है वन बाई टू, ये वैल्यू है वन बाई टू। तो सर ये हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। हमसे पूछा गया है सर बैंडविड्थ बताओ, हमसे पूछा गया है बैंडविड्थ बताओ, तो सर इसकी बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी सर, बैंडविड्थ यहां से आ जाएगी, ये जीरो से लेकर ये हो जाएगी बैंडविड्थ। तो सर इसकी बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी, ये हायर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये लोअर, तो हायर माइनस लोअर, तो लोअर फ्रीक्वेंसी तो जीरो है, तो बैंडविड्थ हो जाएगी ए माइनस बी। सर ए की वैल्यू 100 है, बी की 40, ए की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 40, इट विल बी अ 60 हर्ट्ज़। सर हमारा आंसर आ गया 60 हर्ट्ज़।
सर हमारा आंसर जो आ रहा है वो 60 हर्ट्स आ रहा है, ठीक है, कितना है इसका आंसर 60 हर्ट्स, तो सर ये हमको सिग्नल मिलेगा और इसका आंसर आएगा 60 हर्ट्स। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसको पेपर में करना मुश्किल है कि पेपर में आप इतने डायग्राम बना पाओ, पेपर में इतने डायग्राम बना पाओ, ये अपने आप में एक मुश्किल टास्क है, ठीक है, एक बड़ा टास्क है कि पेपर में आप इतने डायग्राम बना पाओ, बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आपको आइडिया है कि कॉस से मल्टीप्लाई होने के बाद शिफ्टिंग हो जाएगी, आपको आइडिया है साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद शिफ्टिंग हो जाएगी, तो फिर ये जितने डायग्राम मैंने बनाए हैं ना, ये सब आपको रफ में बनाने पड़ेंगे, बस ये एकदम रफ डायग्राम बनेंगे, आप तुरंत देख के बता दोगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो मैं देख के बता दूंगा, मेरे को ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक दो स्टेप तो ऐसे ही अपने माइंड में कैलकुलेट कर लूंगा कि यार ये आंसर आ जाए, ये आंसर आ जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको ना एक बार में हो सकता है ना चीजें आपको क्लिक करें, आपको आराम से कम दो से चार बार इस क्वेश्चन को करना है, अपने आप बार 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 इस क्वेश्चन को आपको करना है, तब जाकर आप इस क्वेश्चन पर पकड़ बना पाएंगे, ठीक है। तो आसान नहीं है क्वेश्चन, मैंने इसीलिए लिया ये क्वेश्चन ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि यार अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आया तो हमको डरना नहीं है, दो मिनट की जगह ढाई मिनट ले लेगा, तीन मिनट ले लेगा, लेकिन मेरे को आंसर सही निकालना है, मेरा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आप ना इसको अपनी कॉपी में मार्क करके रखना, मैं फिर बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को हमसे चार से पांच बार करना तो आपको पकड़ आ जाएगी कि हाँ चीजें कहां हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो आंसर तो वही आया 60 हर्ट्स जो हम पहले भी निकाल चुके थे 60 हर्ट्स, लेकिन ये स्क्रैम्बलर हमारे अकॉर्डिंग नहीं था जो हमको मैंने आपको पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन वर्कबुक का और ले रहा हूं, छोटा सा एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं वर्कबुक का, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 35 क्वेश्चन है वर्कबुक का, लास्ट क्वेश्चन है, 35 का आंसर बताओ क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 35 वर्कबुक, क्वेश्चन है 35 वर्कबुक का, ठीक है। ये पूछा गया है गेट 2015 में, गेट 2015 में हमसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है सर, एमटी एसटी इक्वल टू दे रखा है एमटी, ये सर ये दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, एसटी बराबर दे रखा है सर एमटी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम कैप टी इंटू साइन 2 पाई एफ सी टी, ये एम कैप टी इक्वल टू साइन 2 पाई एफ सी टी, ये ठीक है। अब आगे मैं बता रहा हूं, यहां पर बोला है एम कैप टी डिनोट द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, जो हमको मालूम है, एंड बैंडविड्थ ऑफ एमटी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एफ सी, द सिग्नल एस टी इज, ये सिग्नल पूछा जा रहा है, ये सिग्नल कौन सा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो सिग्नल है सर, ये सिंगल साइड वेंट सप्रेस्ड करियर है, ये क्या है, सिंगल साइड वेंट सप्रेस्ड करियर, और बीच में आ रहा है प्लस, तो ये लोअर साइड वेंट का बनेगा, ये सिंगल साइड वेंट सप्रेस्ड करियर विद लोअर साइड वेंट है, ये सिंगल साइड वेंट सप्रेस्ड करियर विद लोअर साइड वेंट। कल के लेक्चर में ये बताया था कि अगर प्लस आता है तो लोअर साइड बैंड बनेगा, माइनस आता है तो अपर साइड बैंड बनेगा, तो सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर में ये सर लोअर साइड बैंड है। इसका मतलब ये जो लोअर साइड बैंड बना है, ये टोटल का टोटल जो बनता है इसको हम बोलते हैं बैंड पास सिग्नल, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा वो बैंड पास सिग्नल हो जाएगा। तो सर इसका आंसर क्या होगा, हाई पास सिग्नल तो आंसर नहीं होगा, लो पास भी नहीं होगा, और तीसरा आंसर है सी, वो है बैंड पास सिग्नल, ठीक है। और ऑप्शन डी दे रखा है डबल साइड वेंट सप्रेस्ड करियर, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, ठीक है। ये तो आंसर की में ना गलत दिया हुआ है, आंसर की में डी है, लेकिन करेक्ट आंसर जो बनेगा सर वो सी बन जाएगा,
ठीक है, कि वो डबल साइडवेंट सप्रेस्ड करियर नहीं है। तो आंसर की को मत देखना, आंसर की में गलत दे रखा है, उसको सही कर लेना, ठीक है। ये तो ये हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, देखते ही बस आंसर आ रहा था, देखते ही कि सर ये कौन सा सिग्नल है सप्रेस्ड करियर सिंगल साइड बैंड। तो दो एक्सप्रेशन होते हैं सिंगल साइड बैंड के, दोनों रट लेने, बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल साइड बैंड का है सर। तो हमको देखते ही पता चल गया कि सर ये आंसर बनेगा इसका, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं नया, दैट इज कॉल्ड, वो लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड प्री एनवलप एंड कॉम्प्लेक्स एनवलप। तो हेडिंग डालेंगे प्री एनवलप, प्री एनवलप एंड कॉम्प्लेक्स एनवलप। हेडिंग डालो प्री एनवलप, ठीक है। तो लास्ट हमारा ये टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद हम एंगल मॉड्यूलेशन स्टार्ट करेंगे। क्या ये स्टार्ट करेंगे कल से एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक मिनट आपको दे रहा हूं, डाउट है कोई तो पूछ लो। कोई भी डाउट है यहां तक के तो नोट्स आप बना रहे हो ना, अपने नोट्स बनाना, अंकित किरण और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप यहां तक के जो नोट्स बनाए हैं उसको टेलीग्राम में शेयर करना एक बार, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको एक बार मोबाइल से स्कैन करके टेलीग्राम में जरा शेयर करना उनको, ठीक है। तो हम यहां बात कर रहे हैं प्री एनवलप की, किसकी बात कर रहे हैं सर, प्री एनवलप की, प्री एनवलप। तो स्टार्ट करते हैं सर प्री एनवलप, प्री एनवलप का क्या काम है, देखो प्री एनवलप, प्री एनवलप का एक ही काम है, वो है कि अगर हमारे पास कोई भी रियल वैल्यूड सिग्नल है, ठीक है, रियल वैल्यूड सिग्नल यानी रियल सिग्नल है, तो इसका काम है कि ये जो रियल वैल्यू सिग्नल को है कन्वर्ट रियल वैल्यू सिग्नल, कन्वर्ट रियल वैल्यू सिग्नल इनटू, कन्वर्ट रियल वैल्यू सिग्नल इनटू कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल, किसमें बदलता है ये, कॉम्प्लेक्स सिग्नल में बदलता है, ठीक है। रियल वैल्यू सिग्नल को अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल में बदलना हो तब हम यूज करते हैं प्री एनवलप का। तो प्री एनवलप, तो अंकित बोल रहा पूरा नोट्स है, तो इसको एक बार शेयर कर देना है ना उसको पीडीएफ बनाकर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो ये बोल रहे हैं कि जो रियल कोई सिग्नल, कोई भी सिग्नल रियल सिग्नल है हमारे पास, पता नहीं क्या है, उसको कॉम्प्लेक्स सिग्नल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहां हमको जरूरत होती है इमेजिनरी पार्ट की, और सिर्फ एक ही सिग्नल है हमारे पास रियल वैल्यू, और हम उसका इमेजिनरी सिग्नल कहां से लेकर आए, तब हम यूज करते हैं प्री एनवलप को। तो प्री एनवलप में दोनों पार्ट होते हैं रियल प्लस कॉम्प्लेक्स, तो हमको कॉम्प्लेक्स सिग्नल की जब भी एनालिसिस करनी होती है देन वी कैन यूज द प्री एनवलप। तो सर प्री एनवलप ये काम करता है रियल वैल्यूड सिग्नल को कॉम्प्लेक्स वैल्यू में करता है, कैसे करता है देखो बता रहा हूं, करना क्या होता है, अगर हमारे पास मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट, अगर XT जो है, लेट XT इज रियल सिग्नल, अगर XT हमारे पास रियल सिग्नल है और हमको इसको कॉम्प्लेक्स सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो हमको इसका प्री एनवलप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा सर, प्री एनवलप, ये प्री एनवलप। तो इसका जो प्री एनवलप बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, प्री एनवलप को ऐसे डिनोट करते हैं एक्स प्लस माइनस टी, ये प्री एनवलप हो गया, इक्वल टू होगा जो भी हमारा सिग्नल है रियल वैल्यू एक्स टी प्लस माइनस जे टाइम्स ऑफ, जो सिग्नल है उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, जो सिग्नल है उसका क्या लेना पड़ेगा, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ये। तो ये हमारा प्री एनवलप हो गया। तो हमारा XT जो सिग्नल था उसको हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया कॉम्प्लेक्स सिग्नल में। तो प्री एनवलप जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, तो ये प्री एनवलप जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, क्या है सर, ये एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है ये।
तो प्री एनवलप दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव प्री एनवलप की बात करें, किसकी बात करें सर, पॉजिटिव प्री एनवलप, ठीक है, ये पॉजिटिव प्री एनवलप, ये सर पॉजिटिव प्री एनवलप अगर हमको बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव प्री एनवलप बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव प्री, तो हमको यहां प्लस साइन कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन कंसीडर करना पड़ेगा सिर्फ। तो सर पॉजिटिव प्री एनवलप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एक्स प्लस टी बराबर, सर ये हो जाएगा एक्स टी और बीच में आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा एक्स कैप टी, इसको बोलते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। ये पॉजिटिव प्री एनवलप हो गया। और अगर मुझे नेगेटिव प्री एनवलप बनाना है, इसको इधर कर दे रहा हूं, अगर मुझे नेगेटिव प्री एनवलप बनाना है, नेगेटिव सर यहां लिखेंगे नेगेटिव प्री एनवलप, सर नेगेटिव प्री एनवलप अगर हमको बनाना है, सर नेगेटिव प्री एनवलप अगर बनाना है, नेगेटिव प्री एनवलप, ठीक है, ये नेगेटिव प्री एनवलप अगर बनाना है तो सर नेगेटिव प्री एनवलप कैसे बनेगा, हमको बस नेगेटिव क्वांटिटी कंसीडर करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो ये हो जाएगा सर एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स टी माइनस जे ऑफ एक्स हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, ये तो सर ये आ जाएगा नेगेटिव प्री एनवलप। तो दो प्री एनवलप होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये ठीक है, ये तो ये चीजें आपको अभी दिमाग में रखनी है कि सर दो प्री एनवलप होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो प्री एनवलप क्या करता है, प्री एनवलप हमारा जो भी सिग्नल है हमारा एक्स टी रियल सिग्नल, उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसमें एक इमेजिनरी पार्ट और जोड़ देता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है, वो क्या होता है उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो एक्स कैप टी का मतलब है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, ठीक है, ये चीज। अब यहां पर थोड़ा मैथमेटिक्स का दिमाग लगाएंगे अपना, जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, मान लो ये जो नीचे लिखी हुई है, इस इक्वेशन को देखो, ये जो लिखी हुई है इक्वेशन पॉजिटिव प्री एनवलप की, ठीक है, इस इक्वेशन को जरा देख लो। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आपको इस इक्वेशन से रिलेटेड, आपको सवाल बताना है, आपको इस सवाल का आंसर करना है, क्या आंसर करना है, इस सवाल का क्या आंसर करना है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसका रियल रियल पार्ट लिखना चाहूं, इसका रियल पार्ट, सर हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको यहां बंद कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये इक्वेशन है, ध्यान से देखना, इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं, इस कलर से लिखता हूं येलो, ये इक्वेशन है, मान लो हमारे पास एक्स प्लस टी बराबर, सर ये है हमारे पास एक्स टी प्लस जे ऑफ एक्स कैप टी, ये हमारे पास इक्वेशन। मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मुझको ऐसे लिखना है रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टी, अगर मैं ऐसे लिखूं रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टी, तो क्या मैं आंसर में एक्स टी लिख सकता हूं, क्या मैं आंसर में एक्स टी लिख सकता हूं, पहला पॉइंट तो ये है, ये फर्स्ट पॉइंट। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स प्लस टी लिखना है, तो क्या आंसर में मैं एक्स कैप टी लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं मैं, तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल लिख सकते, आपका जवाब होगा एकदम लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, आपका जवाब होगा सर एकदम लिख सकते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं सर, ये होता है रियल पार्ट और सर ये होता है इमेजिनरी पार्ट, तो सर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस सिग्नल इज एक्स कैप टी, रियल पार्ट ऑफ दिस सिग्नल इज एक्स टी, तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में रखना, मैं आगे इसको न्यूमेरिकल में यूज करूंगा, तब आपको वहां पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इसका यूज कर लूंगा, इसका इस इक्वेशन का, ठीक है, ये अब इसको अपने दिमाग में रखना पड़ा ध्यान से। तो ये है हमारा प्री एनवलप का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट कि प्री एनवलप कैसे काम करता है।
या प्री एनवलप क्या होता है। ये एक हमारे सिग्नल को जो रियल सिग्नल है उसको किसमें कन्वर्ट करता है सर, कॉम्प्लेक्स सिग्नल में। कॉम्प्लेक्स सिग्नल का यूज कहां होता है, जहां पर हमको इमेजिनरी पार्ट का एनालिसिस करना रहेगा, तो सर वहां पर हम इसको यूज करते हैं प्री एनवलप। ठीक है, इतना आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो अब हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो जरूर आएगा सामने, कहीं ना कहीं निकल। तो अब हम बात करते हैं सर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो सर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, ध्यान से देख लो, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सर कैसे बनाएंगे, ये देखो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम कैसे बनाएंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमको प्री एनवलप का निकालना है। तो डेफिनेशन क्या होती है प्री एनवलप की, सर पॉजिटिव प्री एनवलप कंसीडर कर ले रहे, ये होती है डेफिनेशन एक्स टी प्लस जे ऑफ एक्स कैप। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, क्या ले लो, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सर ये हो जाएगा एक्स प्लस एफ बराबर एक्स टी का क्या हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स एफ प्लस जे ऑफ, सर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म, माइनस जे सिग्नम एफ मल्टीप्लाई विद एक्स एफ, ये आता है। ठीक है, ये आ जाएगा सर, सर ये आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करके थोड़ा सा अच्छे से और लिख लो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एफ बराबर सर ये हो जाएगा एक्स एफ और अंदर आ जाएगा जे स्क्वायर, जे से जे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर रह जाएगा सिग्नम एफ इंटू एक्स एफ, ये रह जाएगा। जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो सर यहां से आ जाएगा एक्स एफ, सर ये हो जाएगा हमारा एक्स एफ प्लस जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस वन हो गई तो ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद एक्स एफ, एक्स एफ कॉमन ले लोगे तो यहां से मिलेगा एक्स प्लस एफ बराबर, अगर मैं एक्स एफ यहां से कॉमन ले लू तो सर ये हो जाएगा वन प्लस सिग्नम एफ, ये सर वन प्लस सिग्नम है। और अगर वन प्लस सिग्नम एफ को मैं लिखूं तो सर सिग्नम एफ बराबर क्या होता है मालूम है, ये होता है ट्वाइस ऑफ यू एफ माइनस वन, ये। तो सर इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगा यहां पर, इसको इधर ले लेता हूं, तो सर एक्स प्लस एफ बराबर क्या आ जाएगा मालूम, एक्स प्लस एफ इक्वल टू सर ये निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस एफ बराबर ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स एफ इंटू यू एफ, सर ये निकल कर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये। तो पॉजिटिव प्री एनवलप का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये निकल कर आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एक्स एफ इंटू यू एफ, ये यहां पर वन से वन कट जाएगा। ठीक, ये तो ये कट जाएगा सर वन से वन। ये वैल्यू कहां से आती है भाई, ये सिग्नल की वैल्यू है, अगर किसी को डाउट आ रहा हो ये वैल्यू कहां से आई, टू यू एफ माइनस वन, ये सिग्नल की वैल्यू है। ठीक है, सिग्नम पढ़ोगे सिग्नम टी तो वही होता है टू यू टी माइनस वन, मैंने एफ ले लिया है तो टू यू एफ माइनस वन कर दिया है। तो मैं इसके तो प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये वैल्यू सिग्नल से आती है। ठीक, ये तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ पॉजिटिव प्री एनवलप। तो इसको क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ पॉजिटिव प्री एनवलप, लिख लेना इसको, इसको लिख लेना, इसको बोलोगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ पॉजिटिव प्री एनवलप। अब अगर इसको मैथमेटिकली तुम ध्यान से कर पाओ तो मुझे ये बताओ, ये है यूनिट स्टेप फंक्शन, ये है कौन सा स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन आती है, ये है स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन आती होगी, बिल्कुल आती होगी। स्टेप फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एग्जिस्ट करेगा, अगर प्लस एफ है, माइनस एफ होता तो नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट करता। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मैथमेटिकली, एक्स प्लस एफ बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स एफ फॉर एफ इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फॉर एफ इज लेस देन जीरो, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसे, सर ऐसे लिख सकता हूं, हाँ क्यों नहीं लिख सकते सर, ये तो स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन ही लिख दिया आपने बस। तो सर ये है हमारी, ये जो वैल्यू है ये एफ इज ग्रेटर देन जीरो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी,
एफ इज लेस देन जीरो को बोलते हैं सर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं सर? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या पता चला यहां से? ये पता चला कि जो स्पेक्ट्रम है, यहां से जो पता चल रहा है इस इक्वेशन से, जो स्पेक्ट्रम है, किसका स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम ऑफ पॉजिटिव प्री एनवलप डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। सर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो आ रहा है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में स्पेक्ट्रम। तो पॉजिटिव प्री एनवलप सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव प्री एनवलप सिर्फ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना एग्जामिनर यहां पर ना क्वेश्चन फ्रेम करता है। अगर ये चीज याद है तो तुरंत सॉल्व कर लोगे, तुरंत तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लोगे, वरना फंस जाओगे, वरना बस सोचते रहोगे कि अरे सर कैसे करोगे करके, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो इस पॉइंट को जरा नोट करना। तो मैंने यहां पर क्या बताया है, मैंने यहां पर सिर्फ पॉजिटिव प्री एनवलप यूज करा है, नेगेटिव प्री एनवलप आप खुद सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा। बस इक्वेशन लिखना नेगेटिव प्री एनवलप की, बाकी सब एनालिसिस ऐसा ही होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव प्री एनवलप जो है वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव के लिए वो जीरो आता है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। एक और आता है हमारे पास जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स एनवलप। ठीक है, सेकंड आप हेडिंग डालोगे कॉम्प्लेक्स एनवलप। अब इन पर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनवलप का कॉन्सेप्ट समझा दूं। सर ये आता है कॉम्प्लेक्स एनवलप। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एनवलप का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आराम से आप बना लोगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा इसका, सिर्फ प्री एनवलप निकालने का, कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो सर कॉम्प्लेक्स एनवलप का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनवलप हम क्यों यूज करते हैं? प्री एनवलप तो हमको समझ में आ गया कि प्री एनवलप हम यूज करते हैं कि हमको अगर कोई भी हमारा रियल सिग्नल है उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, ये सर कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनवलप का क्या काम होता है? तो जो कॉम्प्लेक्स एनवलप होता है, ठीक है, इट यूज टू कन्वर्ट सिग्नल इनटू इट्स इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट। तो सिग्नल को इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट को तोड़ने में काम आता है कॉम्प्लेक्स एनवलप। यानी किसी भी सिग्नल को इन फेज और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट में अगर आप ब्रेक करना चाहो तो फिर आप यूज करोगे कॉम्प्लेक्स एनवलप को। किसको यूज करोगे सर? कॉम्प्लेक्स एनवलप को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनवलप ये। तो इन फेज और क्वाड्रेचर फेज का मतलब होता है कि ऐसे सिग्नल जिनके बीच में आप 90 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट कर पाओ। ठीक है, ये तो लेकिन ये तभी होगा जब आपका सिग्नल जो है वो बैंड पास हो, बैंड पास सिग्नल हो। क्या हो सर? बैंड पास सिग्नल मतलब ये तब यूज होता है जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल आए, आफ्टर मॉड्यूलेशन आप कॉम्प्लेक्स एनवलप निकालोगे आफ्टर मॉड्यूलेशन। और इन फेज और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट इसलिए निकाले जाते हैं ताकि आप एनवलप निकाल पाओ, एनवलप किसी भी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका एनवलप निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे? एनवलप। तो कॉम्प्लेक्स एनवलप जो है ना वो यूज होता है उस सिग्नल का जो मैंने आपको एनवलप पढ़ाया है ना, एनवलप। कई सिग्नल ऐसे होंगे जिनका आप एनवलप इजीली नहीं निकाल पाओगे, तब आपको कॉम्प्लेक्स एनवलप में जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स एनवलप। तो कॉम्प्लेक्स एनवलप ना उसको इन फेज और क्वाड्रेचर फेज में कर देगा। मतलब इन फेज का यह होता है कि एक कंपोनेंट अगर साइन के फॉर्म में है साइन, तो दूसरा कॉस के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर ये पहला कॉस के फॉर्म में है तो सर दूसरा हमारा साइन के फॉर्म में आएगा। ये होते हैं इन फेज और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट।
इनसे किसी भी सिग्नल का ना एनवलप निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इनसे क्या होता है सर, एनवलप निकालना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एनवलप उसी सिग्नल का निकलेगा जो मॉड्यूलेटेड हो, यानी कि बैंड पास सिग्नल हो। हर सिग्नल का कॉम्प्लेक्स एनवलप नहीं निकाल पाओगे, हर सिग्नल का कॉम्प्लेक्स एनवलप आप नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिग्नल का निकालोगे जो मॉड्यूलेटेड होंगे। सर कैसे निकालेंगे कॉम्प्लेक्स एनवलप, ये हमको देखना है, ठीक है। ये तो सर कॉम्प्लेक्स एनवलप हम कैसे निकालेंगे, ये देखो। तो कॉम्प्लेक्स एनवलप अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे, ये होता है कॉम्प्लेक्स एनवलप का साइन, इट इज नथिंग बट इक्वल टू इन फेज कंपोनेंट प्लस जे टाइम्स ऑफ क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट। ये तो इन फेज और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट में हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। इन फेज और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट में हम इसको तोड़ देते हैं। ये तो अगर हमारे पास कोई सिग्नल एक्स है, ये बैंड पास सिग्नल मान लेते हैं हमारे पास है एक्स टी, तो इसका हमको कॉम्प्लेक्स एनवलप निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इन फेज और क्वाड्रेचर फेज, क्या मतलब है इन फेज का, अगर एक साइन है तो एक मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एक प्रॉपर रिलेशन बनाएंगे। फायदा क्या होता है, फायदा होता है एनवलप निकालने का उस सिग्नल का, ठीक है। ये तो एनवलप हम निकाल पाएंगे उसका, सर ये है कॉन्सेप्ट किसका, कॉम्प्लेक्स एनवलप का। ये अब अगर सिग्नल हमारे पास एक्स टी है, तो अगर मैं यहां लिखूं, यहां लिखो नीचे बैंड पास सिग्नल, यहां लिखो बैंड पास सिग्नल एक्स टी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनवलप। अगर हमको कॉम्प्लेक्स एनवलप के टर्म में लिखना है तो सर कैसे लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स एनवलप के टर्म में अगर हमको एक्स टी लिखना है तो सर वो लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ, उसको लिखते हैं एक्स टी इक्वल टू, सर इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनवलप इनटू ई की पावर जे, करियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता है 2 पाई एफ सी टी। ये आता है सर, ये एक्स टी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, ये है कॉम्प्लेक्स एनवलप मल्टीप्लाई, इसको ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स एनवलप में मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव करियर फ्रीक्वेंसी से, किससे मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉजिटिव करियर फ्रीक्वेंसी। ये तो सर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से, तो इस चीज को आप जरा नोट कर लो, इस चीज को अपने पास कि सर ये चीज है हमारे पास, इसको हम नोट कर लेते हैं। ये ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक छोटा सा एक यहां पर नोट लिखा रहा हूं, एक नोट लिखो जो आपको न्यूमेरिकल करने में कामयाब करेगा कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, ठीक है। एक छोटा सा नोट लिखो, आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाएंगे। एक छोटा सा नोट लिखेंगे, नोट क्या है देखो, नोट ये नोट जरा देखो ध्यान से, ये नोट क्या कह रहा है, नोट ये बताता है कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स एनवलप है तो कॉम्प्लेक्स एनवलप को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्री एनवलप मल्टीप्लाइड विद ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी। ये कॉम्प्लेक्स एनवलप बराबर होता है प्री एनवलप ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी। और अगर हमारे पास प्री एनवलप लिखना है तो प्री एनवलप बराबर होता है कॉम्प्लेक्स एनवलप मल्टीप्लाइड विद ई की पावर प्लस जे ऑफ टू पाई एफ सी टी। ये तो कुल मिलाकर ये है रिलेशन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एनवलप एंड प्री एनवलप। तो ये जो नोट मैंने आपको लिखाया है, ये नोट क्या बता रहा है, इट इज टेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स एनवलप एंड प्री एनवलप। ये बता रहा है रिलेशन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एनवलप एंड प्री एनवलप, इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एनवलप एंड प्री एनवलप, ठीक है। ये इसको नोट करना। तो ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स और प्री एनवलप। अब मैं बताता हूं कि इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे इस पर फ्रेम करे जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे जाएंगे इस पर, इसको नोट कर लो जरा, और इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं,
आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें जाएंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। हमारे पास एक सिग्नल है जी टी सर, एक सिग्नल है जी टी बराबर, सर जी टी बराबर है एम टी मल्टीप्लाइड विद कॉस 2 पाई एफसी टी प्लस थीटा, ये दे रखा है, ये हमारे पास एक सिग्नल दे रखा है जी टी बराबर एम टी कॉस 2 पाई एफसी टी प्लस थीटा। हमसे पूछा गया है इसका प्री एनवलप बताओ, इस सिग्नल का हमको क्या निकालना है सर, प्री एनवलप निकालना है इस सिग्नल। तो मुझे ये बताओ इसका प्री एनवलप हम कैसे निकालेंगे, हमको इसका क्या निकालना है सर, प्री एनवलप। तो सर इसका प्री एनवलप हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिग्नल दे रखा है, अब हमको प्री एनवलप निकालना है। तो सर प्री एनवलप हम इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका प्री एनवलप निकालने के लिए ना जरा ध्यान से देखो, प्री एनवलप निकालने के लिए हमको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे जैसे मैं बताऊं, मुझे यह बताओ e की पावर जे थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम e की पावर जे थीटा लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, e की पावर जे थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। अच्छा इसमें अगर मैं मान लो कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लो ऐसे लिख देता हूं एम टी मल्टीप्लाइड विद e की पावर जे थीटा, तो ये क्या आ जाएगा एम टी डॉट कॉस थीटा, ठीक है, प्लस जे टाइम्स ऑफ एम टी डॉट साइन थीटा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, किसका इमेजिनरी पार्ट है, इस सिग्नल का, इस सिग्नल का, इस सिग्नल का ये रियल पार्ट है, इस सिग्नल का ये इमेजिनरी पार्ट है, इस सिग्नल का ये रियल पार्ट है, इस सिग्नल का वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं एम टी कॉस थीटा बराबर, ऐसे लिख सकता हूं क्या, रियल पार्ट ऑफ एम टी डॉट ई की पावर जे थीटा, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं एम टी कॉस थीटा इक्वल टू दिस, ऐसा लिख सकता हूं ना। अरे भाई अगर मैं ये लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो आपका जवाब होगा यस लिख सकते हैं। सर क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे इस सिग्नल का रियल पार्ट है ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यही कॉन्सेप्ट अगर मैं इस वाली लाइन में लगाऊं जी टी में, अगर यही कॉन्सेप्ट मैं इस वाली लाइन में लगाऊं जी टी में, यही कॉन्सेप्ट यहां लगाऊं, तो मैं ये बोल सकता हूं जी टी बराबर एम टी मल्टीप्लाइड विद कॉस, जी टी बराबर एम टी मल्टीप्लाइड विद कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा, ये ठीक है। अभी हमने ये देखो ये कॉस में थीटा था हमारे पास, अब की बार ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हम ले लेते हैं थीटा पूरा, इस पूरे को हम फाई मान लेते हैं, पूरे को अगर फाई मान ले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी टी बराबर एम टी कॉस फाई, ऐसा लिख सकते हैं जी टी बराबर एम टी कॉस फाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जी टी बराबर एम टी कॉस फाई को ऐसे लिख सकते हैं क्या, रियल पार्ट ऑफ एम टी ई की पावर जे फाई, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, जी टी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एम टी ई की पावर जे फाई, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर यहां पर कॉस थीटा था, इसको ऊपर ले गए ना जे की पावर में, तो यहां पर cos phi ये तो ऊपर ले जाएंगे e की पावर j phi। तो सर मुझे ये बताओ अगर मैं इसकी प्रॉपर वैल्यू लिख दूं, तो सर ये gt बराबर हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ mt मल्टीप्लाइड विद e की पावर j, phi की वैल्यू कितनी है सर, phi की वैल्यू है 2 pi fc t प्लस थीटा, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा निकल के जी टी।
सर इतना सब क्यों करा, ये सब क्यों करा, हमको तो प्री एनवलप निकालना था, लेकिन इतना सब आप क्यों कर रहे हो? अरे हमको तो प्री एनवलप निकालना था, ये सब आपने क्यों करा? अरे भाई ये इसलिए करा है, क्यों करा है, ये इसलिए करा है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखोगे प्री एनवलप का जो मैंने आपको समझाया था, यहां पर मैंने कहा था इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा सर, एक्स टी बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ प्री एनवलप, एक्स टी बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ प्री एनवलप होता है सर रियल पार्ट ऑफ प्री एनवलप एक्स टी बराबर, यानी कि जो हमको ये सिग्नल दे रखा है ना, ये सर इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे जो आपने ये जीटी बना दिया है ना, ये जीटी सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, जीटी बराबर रियल पार्ट ऑफ प्री एनवलप ऑफ जीटी, ऐसे लिख सकता हूं सर मैं, ऐसा लिख सकता हूं। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर मुझे प्री एनवलप कितना मिल गया सर, जी प्लस टी सर ये मिल गया एम टी मल्टीप्लाइड विद ई की पावर जे टू पाई एफ सी टी प्लस थीटा, सर ये आ गया मेरा प्री एनवलप का आंसर, सर ये आ गया प्री एनवलप आंसर, ये सर ये आ गया प्री एनवलप, सर ये आ गया मेरा प्री एनवलप निकलकर इस क्वेश्चन का। तो मैंने बस कुछ नहीं करा, मैंने ना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने कुछ इसमें नहीं करा, मैंने क्या करा कि जो हमको दे रखा था इक्वेशन, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया ई की पावर में, मैंने उसमें से रियल पार्ट निकाल लिया, बस इतना करा है, ये आपको समझाने के लिए था, ऐसा कर सकते हैं। बस मैंने क्या करा, इस वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करा रियल पार्ट में, और रियल पार्ट के अंदर जो वैल्यू आई वो मेरा प्री एनवलप बन जाएगा। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए प्री एनवलप निकालो सिग्नल का, तो आप उसको कन्वर्ट करना रियल वैल्यू में, किसमें कन्वर्ट करोगे सर, रियल वैल्यूज में कन्वर्ट करोगे, रियल वैल्यू में अगर कन्वर्ट कर लाए इस तरीके से रियल एम टी ई की पावर जे फाइव, अगर ऐसे कन्वर्ट कर लाए तो ये प्री एनवलप हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो एक तरीका ये है। मैं एक और मेथड आपको बता रहा हूं छोटा सा, अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो मैं एक छोटा सा मेथड और बता रहा हूं जल्दी करने का, इससे भी जल्दी करने का एक मेथड और बता रहा हूं, लेकिन अब आप लिखना नहीं, अब पहले समझना, ठीक है। एक और मेथड बता रहा हूं जिसका नाम है मेथड टू, बहुत छोटा सा मेथड है, इससे भी फास्ट कर लोगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अब आप इसको समझो। हमको ये दे रखा था जी टी बराबर क्या दे रखा था, एम टी मल्टीप्लाइड विद कॉस, क्या दे रखा था सर, टू पाई एफ सी टी प्लस थीटा, ये दे रखा। हमसे पूछा था प्री एनवलप बताओ, क्या पूछा था, प्री एनवलप। तो आप क्या करो, आप इस कॉस थीटा को आप यहां पर एक आइडेंटिटी लगाओ, ये वाली कॉस फाई बराबर होता है ई की पावर जे फाई प्लस ई की पावर माइनस जे फाई डिवाइड बाई टू, ये वाली आप आइडेंटिटी लगा दो, आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओ यहां, ठीक है। ये तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा तोड़ दो, क्या करो जी टी बराबर हो जाएगा एम टी, और इसको आप तोड़ दो इसमें ई की पावर जे टाइम्स ऑफ टू पाई एफ सी टी प्लस थीटा, ठीक है, माइ ये प्लस ई की पावर माइनस जे ऑफ टू पाई एफ सी टी प्लस थीटा, ये डिवाइड बाई टू कर दो, ये आपने इसको तोड़ दिया, इस कॉस को आपने ये तोड़ दिया, कॉस को क्या करा आपने, तोड़ दिया सर, ठीक है, ये कॉस को आपने तोड़ दिया। अब आप क्या करो इसमें से, अब आपको प्री एनवलप निकालना है, तो मैं बता रहा हूं, कॉस को तोड़ दिया, अब आपको प्री एनवलप निकालना है किसका, जी टी का, तो प्री एनवलप हो जाएगा जी टी का जी प्लस टी। आप कुछ मत करो, जो निगेटिव फ्रिक्वेंसी है इसको काट दो, इसको मत लो, इसको मत लो, जो बच गया वो ले लो, तो जो बच गया वो ले लेते हैं एम टी मल्टीप्लाइड विद ई की पावर जे ऑफ टू पाई एफ सी टी प्लस थीटा डिवाइड बाई टू, ये बच गया, जो बच गया आप वो ले लो, ठीक है। यहां पर निगेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल दो, निगेटिव वाले टर्म को काट दो, जो बच गया रिमेनिंग टर्म वो आप ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो दो से, ये एक्स्ट्रा है, ये टू जो है अपनी तरफ से लगाना, तो अपनी तरफ से टू से मल्टीप्लाई, तो जो बनकर आ जाएगा दैट इज कॉल्ड प्री एनवलप। तो सर प्री एनवलप क्या बनकर आ गया, जी प्लस
टी बराबर, तो क्या बनकर आ गया, ये आ गया एम टी ई की पावर प्लस का जे ऑफ टू पाई एफ सी टी प्लस थीटा। ये सर यही आंसर आ रहा था ना, यही आंसर आ रहा था। तो ये एक शॉर्टकट है फिर एनवेलप निकालने का, ये शॉर्टकट है, तीन स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, तीन स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको दो मेथड बताए, एक कन्वेंशनल मेथड बताया जैसे हम करते हैं, पर एक मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया कि इस तरीके से आपको करना है। तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या करना है, कॉस को तोड़ना है एक्सपोनेंशियल टर्म में, जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल टर्म में तोड़ोगे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो, जो बच गया है वो ले लो और उसका मल्टीप्लाई कर दो दो से, ये फैक्टर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना है टू, ठीक है, ये फैक्टर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना है टू, देन यू विल गेट द प्री एनवेलप। तो प्री एनवेलप हम निकाल लेंगे इसका, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है, ये तो आराम से हम इसका प्री एनवेलप निकाल लेंगे सर, हमको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन वर्क बुक का लेना, वर्क बुक का लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं वर्क बुक का, एक क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर है 25 वर्क बुक का, देखो मैं इसको निकालता हूं प्री एनवेलप, 25 क्वेश्चन है सर वर्क बुक का, वर्क बुक का क्वेश्चन है 25, ये भी गेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम इसको सॉल्व करते हैं सर, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, देखो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है हमारे पास एस टी, सर एस टी बराबर दे रखा है उन्होंने ई की पावर माइनस ए टी, ई की पावर माइनस ए टी इंटू कॉस, इंटू कॉस क्या दे रखा है सर, ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा, ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इंटू टी, ये दे रखा है ओमेगा सी इंटू डेल ओमेगा इंटू टी, और यहां दे रखा है सर यूटी, यूटी है ना, ये हमसे पूछा गया कॉम्प्लेक्स एनवेलप पूछा गया, प्री एनवेलप नहीं कॉम्प्लेक्स पूछा गया, हमसे पूछा गया सर इसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकालो, हमसे पूछा गया सर इसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकालो, तो सर कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे, तो पहले हम प्री एनवेलप निकालेंगे फिर कॉम्प्लेक्स एनवेलप की तरफ जाएंगे, तो पहले हम इसका निकालेंगे प्री एनवेलप, तो सर पहले हम मूव करेंगे प्री एनवेलप की तरफ, तो पहले हम प्री एनवेलप निकालेंगे, तो प्री एनवेलप के लिए सर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस है इसको तोड़ना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल टर्म में, तो सर इसको ऐसे लिखेंगे एस टी बराबर सर ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए टी, और सर ये कितना हो जाएगा ई की पावर जे ऑफ ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इंटू टी, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इंटू टी, ठीक है, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू और बाहर में रहेगा यू टी, ये मैंने तोड़ दिया इसको। अब हमको क्या करना है सर, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टर्म को क्रॉस कर देना है, तो ये आप हटा दो यहां, ये हटा दो, जो बच गया वो आपका प्री एनवेलप हो जाएगा, तो जो बच गया, तो बच जो गया उसको मैं प्री एनवेलप बोलूंगा एस प्लस टी, तो सर बच गया जो वो क्या बच गया हमारे पास ई की पावर माइनस ए टी बच गया, और सर क्या बच गया, ये बच गया ई की पावर जे ऑफ ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा टी, ओके, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू बचेगा इंटू यू टी बचेगा, इंटू यू टी मल्टीप्लाई करोगे दो से, मल्टीप्लाई करोगे दो से, तो हमारे पास प्रॉपर प्री एनवेलप आ गया, तो प्रॉपर प्री एनवेलप इसका निकल कर आ गया कितना, ई की पावर माइनस ए टी e की पावर सर j ओमेगा c प्लस डेल ओमेगा t इंटू यू टी, सर ये आ गया प्री एनवेलप, इट इज नथिंग बट इक्वल टू प्री एनवेलप, सर एक लाइन में आंसर आ गया प्री एनवेलप का, हमने कुछ इधर उधर की बात नहीं करी, नॉर्मल हमने प्री एनवेलप निकाल, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकालो, क्या पूछा गया कॉम्प्लेक्स एनवेलप, तो ये आ गया सर हमारा प्री एनवेलप, समझ में आई इतनी बात, ये सर प्री एनवेलप आ गया, अब हमको कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकालना है, तो सर कॉम्प्लेक्स एनवेलप कैसे निकलेगा, सर कॉम्प्लेक्स एनवेलप और प्री एनवेलप में एक रिलेशन होता है, मैंने नोट में लिखाया,
कॉम्प्लेक्स एनवलप अगर निकालना है तो कॉम्प्लेक्स एनवलप बराबर होता है, अगर आपके हाथ में प्री एनवलप है तब, तो कॉम्प्लेक्स एनवलप बराबर होता है सर प्री एनवलप, इसको मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये 2πfct माइनस जे ऑफ 2πfct। सर 2πfc को ओमेगा सी लिख सकते हैं, तो हम इसको ये बोल सकते हैं एक्स प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स एनवलप। अब चूंकि हमारा सिग्नल एस के टर्म में दिखे हुए ना, तो मैं इसको यहां एस कर देता हूं, तो मैं इसको एस लिख देता हूं, एस टी बराबर सर ऐसे लिख देता हूं एस प्लस टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी टी, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये तो सर यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या सर, कॉम्प्लेक्स एनवलप सॉरी प्री एनवलप तो हमारे पास है ना, ये हमने निकाला है, तो यहां रख देता हूं, ये है ई की पावर माइनस ए टी ई की पावर जे ऑफ ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इंटू टी, ये, और यहां आएगा यूटी, और इसका मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म से ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। सर ये आपका प्री एनवलप था, ये था आपका प्री एनवलप, इतना पार्ट प्री एनवलप, ठीक है प्री एनवलप। तो अब यहां से क्या हुआ, इस ओमेगा सी से ये ओमेगा सी कट जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव का ओमेगा सी है या नेगेटिव का ओमेगा सी है, तो हमारे पास कितना रह जाएगा सर, हमारे पास रह जाएगा एस कैप टी बराबर ई की पावर माइनस ए टी, और अंदर में रह जाएगा ई की पावर जे ऑफ डेल ओमेगा टी इंटू यू टी, ये सर ये हमारे पास रह जाएगा कॉम्प्लेक्स एनवलप, सर ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स एनवलप। तो हमने प्री एनवलप से पहले प्री एनवलप निकाला आसानी से, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनवलप की जो रिलेशन थी उसमें हमने प्री एनवलप रख दिया, तो सर हमारा आंसर आ गया यहां से क्या, कॉम्प्लेक्स एनवलप का। तो एकदम आसान है निकालना, एकदम आसान है निकालना, बस आपको चीजें पता हो कि आप कैसे निकाल रहे हो। मैंने एकदम सिंपल ट्रिक में आपको समझाया कि आप किस तरीके से निकाल सकते हो, एकदम सिंपल ट्रिक है, ठीक है, एकदम सिंपल ट्रिक है। तो इसका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कोई सा एक ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बी सर, बी जो है वो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 एक और क्वेश्चन लेते हैं, 26 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 2015 में पूछा गया, ये भी गेट का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे, 2015 में पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 26 है वर्क बुक, इसमें भी हमसे कॉम्प्लेक्स एनवलप पूछा गया, और यहां पर हमको दे रखा है एक्स टी, यहां पर दे रखा है सर एक्स टी बराबर माइनस का अंडर रूट टू दे रखा है, और यहां दे रखा है साइन पाई टी बाई फाइव डिवाइड बाई पाई टी बाई फाइव, ये, और यहां दे रखा है साइन पाई टी माइनस पाई बाई फोर, ये हमसे पूछा गया है द कॉम्प्लेक्स एनवलप ऑफ बैंड पास सिग्नल सेंटर्ड अबाउट एफ इक्वल टू 1/2 हर्ट्ज, सेंटर्ड अबाउट 1/2 हर्ट्ज, यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनवलप निकालो, उनका मतलब है कि सर कॉम्प्लेक्स एनवलप निकालो एट एफ इक्वल टू 1/2 हर्ट्ज पर, 1/2 हर्ट्ज पर, ये हमको निकालना है कॉम्प्लेक्स एनवलप एट एफ इक्वल टू 1/2 हर्ट्ज, ये। तो यहां पर 1/2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सर्च करनी पड़ेगी कौन सी है, तो यहां पर साइन के दो टर्म है, एक ये है एक ये है, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा इस टर्म की फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसको क्या बोलूंगा मैं, ओमेगा टी, और ये जो हो जाएगा ये फेज हो जाएगा पाई बाई फोर का, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी यहां से निकल आएगी ओमेगा टी से, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा यहां से कंपेयर करने पर ओमेगा बराबर पाई, ओमेगा बराबर पाई, तो ओमेगा की जगह आप रखोगे 2πf, 2πf बराबर पाई, तो f बराबर आ गया 1/2 हर्ट्ज, यानी कि हमको इस वाले
जो टर्म है इस टर्म के अक्रॉस हमको कॉम्प्लेक्स एनवलप निकालना है, तो इस टर्म के अक्रॉस हमको कॉम्प्लेक्स एनवलप निकालना है। इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2 हर्ट्ज, तो ये 1/2 दे। इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी हम ध्यान नहीं देंगे, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमको मिल गया जिसके अक्रॉस हमको निकालना है। तो जिस टर्म के अक्रॉस निकालना है अगर वो मिल गई तो बाकी जितना बचता है वो सब मैग्नीट्यूड रह जाता, एम्पलीट्यूड रह जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले टर्म को, ये जो टर्म है पूरा यहां से लेकर यहां तक का ये वाला टर्म, मैं इसको एज्यूम कर लूंगा कैपिटल एक्स, ताकि मुझे बार बार ये लिखना ना पड़े कैपिटल एक्स। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, एक्स टी बराबर माइनस अंडर रूट टू कैपिटल एक्स इंटू साइन पाई टी माइनस पाई बाई फोर, है ना। ये तो मुझे कॉम्प्लेक्स एनवलप निकालना है, पहले हम इसका प्री एनवलप निकालेंगे, पहले हम प्री एनवलप निकालेंगे तब हम कॉम्प्लेक्स एनवलप निकालने जाएंगे। तो पहले फटाफट इसका प्री एनवलप निकाल लो। तो प्री एनवलप है तो साइन को तोड़ो एक्सपोनेंशियल टर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू माइनस रूट टू इंटू एक्स, साइन को तोड़ो तो साइन हो जाएगा ई की पावर जे पाई टी माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, माइनस आता है बीच में, माइनस जे पाई टी माइनस पाई बाई फोर, ये आ गया साइन, डिवाइड बाई कितना आता है टू जे, डिवाइड बाई आता है सर टू जे साइन के केस में। तो हमको प्री एनवलप निकालना है तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को अपन कट मार देंगे, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को कट मार देंगे, सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे। तो सर यहां कितना आ जाएगा, सर यहां आ जाएगा एक्स टी बराबर माइनस रूट टू एक्स, ठीक है, रूट टू एक्स, अंदर कितना रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ई की पावर जे पाई टी माइनस पाई बाई फोर अपॉन टू जे। सर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, सर मल्टीप्लाई करेंगे टू से, तो ये हमारा प्री एनवलप बन जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा सर प्री एनवलप, तो ये हमारा प्री एनवलप बन जाएगा। तो प्री एनवलप कैसे बन जाएगा सर, टू से टू कट जाएगा, ठीक है, ये तो सर ये प्री एनवलप बन जाएगा, एक्स प्लस टी इक्वल टू माइनस रूट टू एक्स अपॉन जे, और अंदर कितना रह जाएगा ई की पावर जे पाई टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस जे को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो जे को अगर हम ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा सर, जे को अगर हम ऊपर ले जाते हैं, सर जे को अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस जे हो जाता है, अगर हम इस जे को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस जे हो जाएगा। तो ये प्री एनवलप हमारा हो जाएगा एक्स प्लस टी बराबर जे रूट टू एक्स, जे रूट टू एक्स इंटू ए की पावर जे पाई टी माइनस पाई बाई फोर, सर ये आ गया हमारा प्री एनवलप, ठीक है, ये दिस इज आवर प्री एनवलप, यहां तक आ गया हमारा प्री एनवलप। अब हमको क्या निकालना है, हमसे पूछा गया सर कॉम्प्लेक्स एनवलप बताओ, तो कॉम्प्लेक्स एनवलप क्या होता है, प्री एनवलप और कॉम्प्लेक्स एनवलप में क्या रिलेशन होता है, सर कॉम्प्लेक्स एनवलप बराबर होता है एक्स कैप टी बराबर क्या होता है सर, जो भी प्री एनवलप आ रहा है, जो भी प्री एनवलप आ रहा है इंटू ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ सी होता है, सर एफ सी होता है, एफ सी की वैल्यू उन्होंने हमको पहले ही दे रखी है, बता रखा है 1/2 के अक्रॉस निकालना है, तो माइनस जे टू पाई 1/2 इंटू टी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस जे टू पाई एफ सी टी होता है, मैंने एफ सी की जगह 1/2 लगा दिया, तो सर ये क्या बन जाएगा अगर मैं यहां निकालूंगा, देन कॉम्प्लेक्स एनवलप बराबर ये वैल्यू रख दो उठाकर, सर ये वैल्यू है जे टाइम्स ऑफ रूट टू एक्स इंटू क्या आ रहा था ई की पावर जे ऑफ पाई टी माइनस पाई बाई फोर, ये आ रहा था ना पाई टी माइनस पाई बाई फोर, मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर माइनस जे पाई टी, ई की पावर माइनस जे पाई टी, ठीक है, ये सर ये पाई टी से ये पाई टी कट जाएगा, ये पाई टी से पाई टी कट जाएगा, ठीक है, ये तो सर ये कितना आ जाएगा एक्स कैप टी बराबर कितना आ जाएगा जे टाइम्स ऑफ रूट टू एक्स ई की पावर माइनस जे पाई बाई फोर, ई की पावर माइनस जे पाई बाई फोर आ जाएगा, ठीक है, ये सर ये जे जो है ना जे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर जे पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं जे टर्म को ई की पावर जे पाई बाई टू,
ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सर एक्स कैप टी बराबर ई की पावर जे पाई बाई टू इंटू रूट टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस जे पाई बाई फोर। ये दोनों टर्म जो है वो एड हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है। ये e की पावर j पाई बाई टू लिख सकते हैं j को, तो सर कितना आ जाएगा x कैप t बराबर सर ये आ जाएगा रूट टू एक्स e की पावर j ऑफ पाई बाई फोर। ये आ जाएगा सर, ये आंसर आ जाएगा रूट टू एक्स e की पावर j पाई बाई फोर। सर ये आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, x की वैल्यू क्या थी, हम यहां x की वैल्यू भी लगा सकते हैं। सर x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अगर हम यहां लगाएंगे तो x कैप t बराबर सर कितना आ जाएगा रूट टू। सर x की वैल्यू कितनी थी, साइन कितनी थी पाई t बाई फाइव डिवाइड बाई पाई t बाई फाइव, ये थी ये इंटू e की पावर j टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर। ये सर ये कॉम्प्लेक्स एनवलप आ गया निकल, सर कॉम्प्लेक्स एनवलप आ गया। तो कितना आसान है कॉम्प्लेक्स एनवलप और प्री एनवलप निकालना, बस सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए और कुछ नहीं, एकदम आपको बस कैलकुलेशन करना अगर आता है तो आप डेफिनेटली ये निकाल पाओगे। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, अगर मैं इसका आंसर देखूंगा तो इसका एक आंसर सही हो जाएगा, तब एक आंसर इसका सही हो जाएगा e की पावर कौन सा पाई टी वाई फाइव पाई टी वाई फाइव, इसका आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द ऑप्शन सी इज एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपने देखा एकदम आसान है निकालना, बहुत टफ नहीं है, प्री एनवलप और कॉम्प्लेक्स एनवलप निकालना बहुत टफ नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है एकदम आसान है। तो आज जो इसको एंड करते हैं यहीं पर, तो इसको अभी अपनी तरफ से एंड करते हैं, और ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहां तक मैं बोलूंगा आपसे कंप्लीट है। कल से हम लोग पढ़ेंगे एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो कल अपनी क्लास 6 बजे से ही रहेगी एज यूजुअल टाइम पर, लेकिन कल हम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एंगल मॉड्यूलेशन, जिसमें हम FM और PM को पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगले 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आपको लगता है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, फिर अपन आगे जो है बाकी अपन बात कल करेंगे, और कल तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे। अगर कुछ भी आपको ऐसा पूछना है तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम आज के सेशन को ऑफ करेंगे। बस आपको क्या है पढ़ते रहना है, आपको बस पढ़ते रहना है और कुछ नहीं, सिर्फ आपको पढ़ते रहना है, प्रॉपर रिवाइज करते रहें चीजों को, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो दिक्कत आएगी, आप रिवाइज करते रहें, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है रिवाइज करते रहे। बाकी आज 8 बजे लॉन्चिंग है जो हमारा गेट अकेडमी प्लस चैनल था, उसका भी नाम बदल दिया है, इंजीनियरिंग की पाठशाला कर दिया है। तो अपन क्या करेंगे, अगर 8 बजे लॉन्च है तो एक बार लॉन्च में आप देख लीजिएगा, उसमें जो इंजीनियर्स की स्टडी करते हैं, इंजीनियरिंग जो करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत कुछ नया होने वाला है, तो एक बार चेक करेंगे रात 8 बजे आज, और लाइव रहेंगे हम सब लोग, ठीक है। तो आपको आना है, गेट अकेडमी प्लस जो चैनल है उसको अब नाम बदल दिया है, तो अपने आपके जितने भी जूनियर्स हैं उनको आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उनको बता दीजिएगा कि आज 8 बजे कुछ धमाका होने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है आपको, सब कुछ तो आपको क्लियर ही है। तो आज के सेशन को यहीं ऑफ करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड, कल मिलेंगे एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।
भाई खर्चा बना देना भाई।